हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से बता दो बच्चों टू यू ऑल से बता दो और बच्चों हम शुरू करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हेलो एवरीवन, दिस इज मंधानिया योर फैकल्टी फॉर सीए फाउंडेशन लॉ सीए इंटर लॉ एंड सीए इंटर ऑडिट

गुड फैक्ट राइट तो जितने बच्चे अभी तक मेरे साथ लाइव हो चुके हैं सभी को हेलो हाय गुड मॉर्निंग यस सभी को मेरा सलाम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जय श्री कृष्णा जय श्री राम राधे राधे एंड बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं अपना ये टॉपिक उसके पहले मैं अपने आपको आप बारे में आपको बता दूं दिस इज कुणाल मंधानिया बच्चों मुझे अब 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है यस 2011 से

बट आपको बता दू ऐसे ही कुछ फ्री कंटेंट हम लोग के लर्निंग ऐप पे भी प्रोवाइड करते हैं तो जब भी मन चाह आप जाके का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो इज टोटली फ्री ठीक है उसे हम स्पेशल क्लास करके बोलते हैं वो डाउनलोड करने के बाद गोल डालने के बाद सी ए फाउंडेशन ना सिर्फ मेरा आपको किसी भी एजुकेटर के कोई भी सेशन देखना है बच्चों आप देख सकते हो बस उसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ता है यू कैन यूज माई नेम एज द कोड कोड बच्चों, -U -N -A -L, कुनाल. Okay, yes, तो बच्चों के ओनरशिप पे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी ये नोट्स चाहिए बस आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना है और स्कैन करके पहुंच जाना है भाई अन अकेडमी के मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स और बाकी सारे नोट्स बच्चों में वही पे प्रोवाइड करने वाला हो ओके एवरीबॉडी यस तो लास्ट बात जल्दी से बता दो बच्चों एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड बच्चों का सब परफेक्ट तो शुरू करते हैं आज का हम ये अमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें फर्स्ट सबसे पहले बच्चों हम रिवाइज करने वाले हैं कंपनीज एक्ट यस एवरीवन हम रिवाइज करने वाले हैं कंपनीज एक्ट तो मुझे बता रहा रहा बच्चों एम आई लाइव एम ऑडिबल एम आई विजिबल एक बार बस वेट करना हो मैं आपके लिए और अगर सब कुछ परफेक्ट है बच्चों तो शुरू करते हैं। यस yes, कशिश ने बोल दिया गोहेड yes, कशिश ने बच्चों मुझे गोहेड दे दिया है सब कुछ परफेक्ट है चकडे फटे है बच्चों तो शुरू करते हैं कंपनी से एक्ट यस परफेक्ट 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 तो बच्चों आज जब मैं ये रिविजन ले रहा हूं मैं आपको नंबर वन कौन से कंसेप्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कौन कौनसे कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो सब बताने वाला हूँ एबीसी एनालिसिस करने वाला हूँ कितने टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं हर एक कंसेप्ट बच्चों वो भी हम डील डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं नाउ सर कंपनी सेक्ट कोर्स किस पे डील करता है सर कंपनीज पे डील करता है और कंपनीज को डिफाइन करता है सर सेक्शन टू क्लॉस ट्वेंटी वो क्या बोलता है इज इज अ अ अ कंपनी 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 आई रिपीट बच्चों अ कंपनी इज अ कंपनी आइदर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी सेट मतलब भाई हर वो कंपनी जो कंपनी सेट 2013 के अंदर बने हैं बच्चों वो भी कंपनी है और कंपनी सेट 2013 के पहले और भी कंपनी आई थी बच्चों कंपनी सेट आया था 1956 में 1913 में 1942 में कोई भी कंपनी ठीक है

एंड लास्ट पॉइंट सर ये एक्ट एप्लीकेबल किस पे है तो सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट 2013 हजार एप्लीकेबल है तो ऑल द कंपनीज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लॉज 20 और डेफिनेशन बच्चों में थोड़े पहले देखा था उसमें मैं क्या देखा था कि कंपनी जो इस कंपनी से के अंदर बनी है या प्रीवियस कंपनी से के अंदर बनी है कोई भी बनी हो बच्चों वो सब यहां पे कवर हो रहा है ओके एवरीबॉडी ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज ठीक है सर नॉर्मली तो ये सारे कंपनीज पे अप्लीकेबल है बट साथ साथ बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ठीक है और स्टैचुटरी कंपनीज इन सब पे भी कंपनी एक्ट अप्लीकेबल होगी बच्चों बट कहाँ पे जहाँ पे उनका एक्ट साइलेंट है अरे बेट बच्चों कहाँ पे, बच्चो, कहा पे जहाँ पे उनका एक्ट साइलेंट है तो कंपनीज पे तो पूरी तरह से कंपनी एक्ट अप्लीकेबल है बट बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज और सैच्यूटरी कंपनीज पे भी ये एक्ट अप्लीकेबल होगा बट कहाँ पे जहां पे उनका एक्ट साइलेंट है बच्चों

मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर ओनली लॉ हैज क्रिएटेड कंपनी एंड ओनली लॉ हैज पावर टू डिट मतलब बच्चों कंपनी को किसी भी मेंबर के डेथ से इंसॉल्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता मेंबर्स आते रहेंगे मेंबर्स जाते रहेंगे बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर ओनली लॉ हैज क्रिएटेड कंपनी एंड ओनली लॉ हैज पावर टू डिजोल्व एट राइट right? तो इसमें बच्चों कैसे क्वेश्चन आ सकता है देखो मैं आपको क्वेश्चन से बता देता हूँ साथ साथ। सेशन में जितने क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन आ रहा है पढ़ाने के बाद राइट right? इससे बच्चों मैक्स क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक कंपनी में सपोज प्राइवेट कंपनी थी जिसमें बच्चों चार थे और चारों मेंबर कार से कहीं तो भी जा रहे थे

इनके डेथ से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनके जो शेयर है वो इनके नॉमिनी या लीगल एयर को ट्रांसफर हो जाएंगे और बच्चों वो कंटिन्यू करेंगे ओके okay, तो सेकेंड पॉइंट है बच्चों एल से लिमिटेड जैसे बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लाइब्रिलिटी अनलिमिटेड होती है मतलब जितनी फॉर्म की लाइब्रिलिटी है उतनी पार्टनर्स की लाइब्रिटी है बच्चों कंपनी में ऐसा नहीं होता कंपनी वैसे तो आप अनलिमिटेड कंपनी भी फॉर्म कर सकते हो बट अगर आपने लिमिटेड लाइब्रिटी वाली कंपनी फॉर्म की है तो मेंबर्स की लाइब्रिटी वहां पे कितनी होगी आप सबको बच्चों लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स या बच्चों अनपेड वैल्यू ऑफ गारंटी अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स और अनपेड वैल्यू ऑफ गारंटी मतलब जितने के मैंने शेयर्स खरीदे हैं और जितना पैसा पे नहीं किया उतनी की ही मेरी लाइबिलिटी है बाकी कंपनी की लाइबिलिटी से बच्चों मुझे कोई लेना देना नहीं है राइट जितने का मेरा अनपेड वैल्यू है shares का या गारंटी का बच्चों उतने के लिए ही मैं लाइबल होगा मूविंग दैट इज ए ऐसे क्या है बच्चों कंपनी सर मतलब क्या मतलब भले ही members ने कंपनी को फॉर्म किया होगा जिस दिन से कंपनी फॉर्म होती है मेंबर्स अलग है कंपनी अलग है इन आई ऑफ लॉ लॉ के नजरों में कंपनी से सेपरेट लीगल पर्सन जैसे आप हो मैं हूं बाकी पूरी दुनिया है वैसे बच्चों लॉ के नजरों में कंपनी इज से ऑल्सो सेपरेट लीगल पर्सन बच्चों कंपनी इज एपरेट लीगल एंटिटी लॉ के नजर में लॉ कंपनी को एक सेपरेट लीगल पर्सन मानता है वो सेपरेट लीगल पर्सन जो खुद के नाम से कॉन्टेक्ट कर सकते कर सकता है खुद के नाम से बाइंड हो कर सकता है खुद के नाम से कोर्ट में केस कर सकता है कैन बी सी और इट कैन सी ओके बच्चों तो कंपनी कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन से सेपरेट लीगल एंटिटी और एग्जाम्पल दे रहा हूँ पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनरशिप फॉर्म में सर ओनर्स कौन है पार्टनर्स और फॉर्म को मैनेज कौन करता है पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म में या नॉर्मल प्रोप्राइटर फॉर्म में ओनर एंड मैनेजमेंट आर वन इन द सेम थिंग बच्चों कंपनी में ऐसा नहीं होता कंपनी में ओनर्स तो होते हैं शेयर होल्डर्स मैनेज कौन करते हैं सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनर्स तो होते हैं बच्चों शेयर होल्डर्स लेकिन मैनेज कौन करते हैं बोर्ड ऑफ टाइटल दैट मीन देशन ऑफ ओनरशिप जमेंट राइट नेक्स्ट पॉइंट सेपरेट प्रॉपर्टी क्योंकि बच्चों, बच्चों से तो नाम से प्रॉपर्टी ओन, ओन कर सकता है और इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि क्या कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी है क्या कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के डायरेक्टर्स की प्रॉपर्टी है आंसर इज नो भाई कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी कंपनी सेन ओन प्रॉपर्टी ओन नेम ओकेशन एल से हो गया आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज अपरेट लीगल एंटिटी एस से सर दो पॉइंट सेनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड नंबर टू से है बच्चो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मतलब क्या सर यहां बोल रहा है कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर जैसे बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म में आपने पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए आपको पार्टनर्स को पूछना पड़ता है क्या कंपनी में आपको पूछने की जरूरत है द आंसर इज नो भाई कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर बट जब भी बच्चे मैं बोलता हूं फ्रीली ट्रांसफरेबल याद रखना दिस इज ओनली फॉर पब्लिक कंपनी जब भी बच्चों में बोलता हूँ फ्रीली ट्रांसफरेबल इट इज ओनली फॉर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है प्राइवेट कंपनी में बच्चों एक ही रूल है दैट इज अगर आपको प्राइवेट कंपनी में शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करने हैं तो ऐसे केस में आपको बाहर वालों को ट्रांसफर करने हैं तो आपको बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछना पड़ता है बिकॉज वो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है ना मोस्टली कुछ पहचान वाले लोग मेंबर्स उनके रिलेटिव से ही मिलकर फॉर्म करते हैं इसीलिए एक रूल बनाया गया प्राइवेट कंपनी में अगर किसी बाहर वाले को आपको शेयर्स देना है तो उसके लिए आपको सिर्फ बोर्ड ऑफ से परमिशन लेनी पड़ती है ओके बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आई आई सी कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड याद बच्चों कंपनी इनकॉर्पोरेट कब होगी कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आएंगी व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एंड इट इज एसोसिएशन मतलब यहां पे ग्रुप ऑफ मेंबर्स है कंपनी से इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन ठीक है रजिस्टर्ड एसोसिएशन है बिना रजिस्ट्रेशन किए बच्चों आप कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है बच्चों सी सी से पहला है कॉमन सील जैसे बच्चों हर एक लीगल पर्सन का एक सिग्नेचर होता है वैसे ही बच्चों कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर को बोलते हैं कॉमन सील इट इज मेटालिक सील इन नेम ऑफ़ द कंपनी इज़ इनमें हर वो जगह पे जहां पे किसी पर्सन का सिग्नेचर लगता है बच्चों कंपनी वहां पे कॉमन सील अफेक्स करता है बट यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों 2015 के बाद से अब कॉमन सील कंपलसरी नहीं है अरे रिवि करने में आपको ध्यान देना है पॉइंट को कि 2015 के बाद से बच्चों अब कॉमन सील कंपलसरी नहीं है अब आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप कॉमन सील भी अफिक्स कर सकते हो या उसके बदले में दो डायरेक्टर भी साइन कर सकता है या फिर एक डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी भी साइन कर सकता है तो दो डायरेक्टर भी साइन कर सकता है बच्चों और एक डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी भी साइन कर सकता है लास्ट पॉइंट है

टी से बाई ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर कंपनी में शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर आई से कंपनी से इन कॉर्पोरेट एसोसिएशन एन सी से दो पॉइंट है बच्चों नंबर वन कंपनी में कॉमन सील होती है एंड नंबर टू कपेसिटी टू स्यू और बींग स्यूड इन हिस ओन नेम कपेसिटी टू स्यू और बींग स्यूड तो जल्दी से मुझे बता दो बच्चों सारे पॉइंट समझे क्या कोई डाउट है कि मैं आगे बढूं क्या आपको सारे पॉइंट समझे क्या आपको कोई डाउट है तो मैं आगे बढता हूं तब से तो मैं वेट करता हूं बच्चों एक मिनट वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं ये नोट्स कब शेयर करेंगे नंदिनी ये नोट्स मैं शेयर करूंगा सेशन खत्म होने के बाद किसे क्लियर और किसे कोई डाउट मुझे पूछ सकता हो वरना मैं हम आगे बढ़ेंगे ओके एवरीबॉडी नो डाउट चक दे फटे चलो बच्चों तो ये पॉइंट अपना हो चुका है इसमें हमने देखा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जिस दिन से बच्चों कंपनी फॉर्म हुई कंपनी अलग मेंबर्स अलग जिन मेंबर्स ने कंपनी को फॉर्म किया कंपनी और मेंबर के बीच में हम बोलते बच्चों एक सुपरफिशियल एक आर्टिफिशियल वेल आ जाता है पर्दा आ जाता है ठीक है तो देखो बच्चों पॉइंट समझो भले देखो ये कंपनी है देखो धुआं भी निकल है अब भले ही इन मेंबर्स ने कंपनी फॉर्म की होगी भले फेमस है चुन्नू मुन्नू रमेश सुरेश दिनेश इन लोगों ने मिलकर बच्चों कंपनी फॉर्म की होगी बट जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है लॉ के नजरों में लॉ के नजरों में बच्चों कंपनी इस सेपरेट लीगल किया होगा बट लॉ में कंपनी अलग है और जो कुछ भी कर रहा है वो कौन कर रहा है बच्चों जो कुछ भी कर रहा है वो कंपनी कर रही है मतलब हम बोलते हैं कि कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक सुपरफिशियल पर्दा आ जाता है बच्चों उस पर्दे को उस वेल को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल इसी कॉर्पोरेट वेल के चक्कर में या इसी कॉर्पोरेट वेल के चलते बच्चों कंपनी इस सेपरेट लीगल एंटिटी ये कॉर्पोरेट वेल है जो डिस्टिंग्विश करती है कंपनी को अपने मेंबर से और हम बोलते हैं भाई जो कुछ भी कर रहा है वो कौन कर रहा है कंपनी कर रही है कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है कंपनी कर रही है बाहर वाले डील कौन कर रहा है भाई कंपनी कर रही है जो कुछ भी कर रहा है भाई कौन कर रहा है कंपनी कर रही है कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी आई होप माय पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी ठीक है अब इंपोर्ट पॉइंट क्या देखना बच्चों ना ठीक है वैसे तो कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी बट कुछ कुछ केसेस में जहां जहां बच्चों ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाले कंसेप्ट को वो ठीक un... है मिसयूज़ करते हैं आई रिपीट बच्चों कुछ कुछ जगह पे जहां पे कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को मिसयूज किया जाता है ऐसे केस में हम क्या करते हैं भाई ये पर्दे को हटा देते हैं पॉइंट समझो बच्चों इस पर्दे के कारण इस कॉर्पोरेट वेल के कारण कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी अगर हम इस पर्दे को हटा देंगे ठीक है तो ऐसे केस में क्या कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगा नहीं ऐसे कैसे बच्चों मेंबर्स और कंपनी को हम क्या करेंगे एक ही मानेंगे राइट right? तो जैसे आपने वो एक बहुत फेमस गाना सुना होगा परदा है परदा पर्दा है परदा पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे परदा नशी है पर्दा नशी को बे पर्दा बच्चों पर्दा नशी को बे पर्दा करना मतलब कॉर्पोरेट बिल को क्या करना लिफ्ट करना

ओके सो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या होता है बच्चों ठीक है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि नॉर्मली कंपनी से रिलेटेड सेपरेट लीगल एंटिटी बट इन केस ऑफ फ्रॉड और एनी रॉन्ग डूइंग इन केस ऑफ फ्रॉड और एनी रॉन्ग डूइंग कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एक सेकेंड

यस yes, परफेक्ट चलो बहुत सारे बच्चे लाइव हो गए हमारे साथ में ना बच्चों कॉर्पोरेट बिल हमारे घर की खेती नहीं है कि हम जब चाहे तब लिफ्ट कर दें ठीक है कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट होते हैं नंबर नंबर अंडर अंडर टू सिचुएशंस जुडिशल डिसीजंस एंड नंबर टू अंडर सेचरी प्रोविजन उससे बात करेंगे बच्चों कॉर्पोरेट वेल दो जगह पे ही लिफ्ट कर सकते हैं यानी कुछ कुछ केसेस में ही कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानते बच्चों राइट नंबर वन अंडर जुडिशियल डिसीजन एंड नंबर टू अंडर स्टेच्यूटरी प्रोविजन मतलब लॉ में ऐसे कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं जहां जहां पे भाई कॉर्पोरेट वेल क्या होगा लिफ्ट होगा राइट right? हम बात करें बच्चों अंडर जुडिशियल डिसीजन इस पे याद रखना आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों में वो भी डिस्कस करता हूं राइट right? और यहां पे आपको केस के नाम भी याद रखना कंपलसरी है तो कुछ कुछ केसेस जो मैं हाईलाइट करूंगा बच्चों उन सब के नाम भी याद करना आपके लिए कंपलसरी है राइट फर्स्ट केस है बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू मतलब अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू आप हर्ट कर रहे हो कॉर्पोरेट वेल यानी कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के थ्रू तो ऐसे में भाई कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है इसमें बच्चों केस का नाम है सर दिनशम मानिक जी पेटिट इतना भी लिखा चलेगा आपको ये एआईआर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है भाई सिर्फ केस का नाम लिखा सर दिनशम मानिक जी पेटिट केस तो भी चलेगा एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस बच्चों इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है राइट right? तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा समझ लेते हैं और केस में क्या हुआ बच्चों समझते हैं कुछ नहीं इस पर्सन ने क्या किया मल्टीपल कंपनीज फॉर्म की और इसके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स थे ऐसे और नो बच्चों इन्वेस्टमेंट्स में आपको बदले में डिविडेंड या इंटरेस्ट का मिलता है अरे पेड इन्वेस्टमेंट्स में बच्चों आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट का मिलता है तो इसने क्या किया मल्टीपल कंपनीज फॉर्म की और अपने इन्वेस्ट को कंपनीज में इस तरह से डिवाइड कर दिया कि हर एक टैक्स लैब के कम आ जाता है मतलब सपोज अगर टैक्स लैब ढाई लाख रुपए का होगा तो अपने इनकम को उन कंपनीज में ऐसे डिवाइड किया अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे डिवाइड किया कि बच्चों किसी को भी ढाई लाख के ऊपर इनकम नहीं मिलेगा तो बेसिकली इससे क्या क्या कर दिया उसने सबके टैक्स हो गए बच्चों जीरो हो गए पॉइंट यहां पे आप कंपनी के सेपरेट लीगल इंटिडी कंसेप्ट को यूज कर रहे हो टैक्स इवेशन करने के लिए तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला जितनी भी कंपनी से सबको अलग अलग नहीं माना बच्चों सारे कंपनीज को एक ही माना और सभी को माना कि सर इंशॉ की ही कंपनी है मतलब मेंबर्स और कंपनी को अलग अलग नहीं माना बच्चों एक ही माना कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया और जितना भी इनकम है वो दिखाया गया इन द हैंड्स ऑफ सर दिन मानिक जी एंड यहां पे बच्चों उसे टैक्स के लिए लाइबल किया गया तो वैसे तो भाई सर दिन अलग थे और उनकी कंपनी अलग थी बट क्योंकि वो रेवे वो टैक्स इवेशन कर रहे थे बच्चों इसलिए गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट ने क्या किया कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया सद इन शॉर उनकी कंपनीज को एक ही माना बच्चों इज ए क्लियर और जितना भी टैक्स था वो टैक्स कर दिया इन द हैंड्स ऑफ सद इन अब इसमें सर क्वेश्चन कैसा आ चुका है पास में मैं आप लोग को बता देता हूँ

ठीक है बताओ क्या कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो सकता है इस केस में द द आंसर आंसर विल विल बी बी यस 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 आप yes. case, और सारी जो के दिख रही है वो किसकी जाएगी? वो की ही जाएगी. Okay, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसके बाहर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों आई प्रॉमिस यू कोई भी एग्जाम में कोई पेपर सेटर इंडिया का कुछ भी सेट कर दे जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है बिकॉज मैं फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ इंटर में पढ़ाता हूँ फाइल में भी पढ़ा चुका हूँ एग्जीक्यूटिव पढ़ाता हूँ सब मिला के कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं किस कंसेप्ट पे सालों से सब बच्चों इधर है मैं सब आज शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में ओके परफेक्ट मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी एनिमी बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों इसको भी मैं कर रहा हूँ इसको मैंने स्थान कर दिया ये केस का नाम भी आपने याद करना चाहिए बच्चों इसको भी मैं सामा कर रहा हूँ केस का नाम है डायमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेज कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी केस का नाम बच्चों डायमलर कंपनी लिमिटेड कॉन्टीनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी लिमिटेड राइट अब इस केस में क्या देखो बच्चो दोनों भी कंपनी इंग्लैंड में फॉर्म हुई थी भाई दोनों भी कंपनी इंग्लैंड में फॉर्म हुई तो बता दोनों भी इंग्लिश कंपनी है बट जब इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक कंपनी ने अक्यूज किया कि भाई दूसरी कंपनी हमारी एनिमी कंपनी है क्यों क्योंकि भाई उसके मेजर शेयर होल्डर्स जर्मन थे उसके मेजर शेयर होल्डर्स क्या थे जर्मन थे राइट और उस समय बच्चों इंग्लैंड का ये वर्ल्ड वॉर टू की बात है उस समय इंग्लैंड और जर्मनी का बच्चों वॉर चल रहा था तो इन्होंने क्या क्लेम किया कि भाई वो एनिमी कंपनी है एंड यू ऑल नो बच्चों कांटेक्ट विद एनिमी करने की जरूरत नहीं है, है। तो इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुए तो इंग्लिश है आप शेयर होल्डर को क्यों देख रहे हो माना कि मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर जर्मन है बट कंपनी तो भाई इंग्लैंड में फॉर्म हुई है इट्स इंग्लिश सेपरेट लीगल एंटिटी बच्चों मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट ने बोला इट इज एनिमी कंपनी बच्चों कोर्ट ने कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं दे मानते हुए कंपनी के शेयर होल्डर्स का रेसिडेंशियल स्टेटस या उनकी नेशनैलिटी चेक की आई होप आर गेटिंग माई पॉइंट बच्चों यानी यहां पे क्या किया कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया यहां पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया थर्ड पॉइंट बच्चों फ्रॉड या इमप्रॉपर कंडक्ट

इज ए क्लियर तो हॉन एक मोटर कंपनी में काम करता था जिसमें इंप्लॉयज के लिए एक क्लॉस था दैट इज कि भाई ठीक है जब भी तुम कंपनी छोड़ जाओगे हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे हमारे कस्टमर्स को खींच के नहीं लेके जाओगे वरना इतना फलाना अमाउंट का आपको पनिशमेंट होगा इतना फलाना अमाउंट का आपको पनिशमेंट होगा इज ए क्लियर भाई अपना हॉर्न जब वो कंपनी छोड़ के गया तो उसने खुद तो कस्टमर्स को सोलिसिट नहीं किया बट उसने कंपनी बनाई और कंपनी के थ्रू कस्टमर्स को सोलिसिट किया और जब बोला कि तुमने हमारे कस्टमर को सोलिसिट किया तो बोले मैंने थोड़ी किया कंपनी ने किया मैं थोड़ी किया कंपनी ने किया कंपनी से सेपरेट लीगल तो अगेन बच्चों के तो उसने यहां पे फ्रॉड करने के इरादे से यूज किया

वेलफेयर लॉस मतलब बेस्ट एग्जांपल दो बच्चों एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए ना बहुत सारे लॉस बनाए गए हैं जैसे कि बोनस एक्ट ग्रेचुटी एक्ट ईपीएफ एक्ट फैक्ट्रीज एक्ट वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बहुत सारे एक्ट बनाए गए राइट तो ये कोई वेलफेयर लॉ बना है जिसको जिससे इंप्लॉय को बोनस मिले ग्रेचुटी मिले सोशल सिक्योरिटी मिले ठीक है बहुत कुछ और राइट अगर कोई कंपनी ये वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है तो ऐसे केस में भाई कॉर्पोरेट वेल well को लिफ्ट किया जा सकता है जैसे ये केस देखो, इस केस में क्या हुआ? भाई, एक कंपनी के इंप्लॉय से ऊपर जा रहे थे और आपको है बच्चों बोनस एक्ट ईपीएफ ग्रेचुअटी एक्ट अपल होने के लिए बीस से ऊपर एम्प्लॉय होने चाहिए

तो लॉ ने क्या किया जब कोर्ट में गया बच्चों कोर्ट ने क्या किया वो नई कंपनी और पुरानी कंपनी को एक माना यानी दोनों कंपनी को क्या किया बच्चों किया. Okay, और मान लिया कि टोटल मिला के बीस के ऊपर इंप्लॉइज है और लॉ लॉलीकेबल कर दिया राइट एंड लास्ट पॉइंट टू ऑब्लिगेशन ये सब याद नहीं बिगड़ चलेगा बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ

तो बच्चों इन सारे जगहों पे याद रखना इन सारे जगहों पे याद रखना बेसिकली उन्होंने क्या किया कंपनी के कॉन्टेक्ट में अगर तुम डायरेक्टर को लाइबल कर रहे हो मेंबर्स को लाइबल कर रहे हो मतलब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर रहे हो बट ये प्रोविजन से बहुत सारे प्रोविजन मैंने एक पॉइंट दिया है बच्चों बट मैंने देखा है आपके मॉड्यूल में ये सारे पॉइंट्स कवर नहीं है तो आपको सिर्फ जुडिशल रिश्त पढ़ने की जरूरत है आपको स्टेचुटरी प्रोविजंस पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों उसमें भी तीन केस याद रखना प्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू सर डिन मानिक जी पेटीट नंबर टू डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी केस का नाम है डायमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेज कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी लिमिटेड एंड थर्ड इश्यू है फॉर फ्रॉड और इम कंडक्ट केस का नाम है बच्चों गिल्फर्ड मोटर्स लिमिटेड वर्सेज हॉन एंड नंबर फोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन okay, आ सकता है इनमें से कोई केस को एक्सप्लेन करते हुए इसके बाहर और क्वेश्चन नहीं आ सकता तो यहां तक की कहानी बच्चों हमने क्या देख लिया यहां तक की कहानी में हमने देख लिया नंबर वन

एंड पूरा मिला के एज ऑन डेड आई एम नंबर टू रैंक एजुकेटर ऑफ ऑल ऑल सब्जेक्ट एंड कैटेगरी बच्चों में वेटिंग किसी कोई भी डाउट था लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट वेल में तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं एक मिनट वेट करूंगा और फिर हम आगे मोक करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ कंपनी सेशन हमने शुरू किया था करीब नाइन थर्टी के आसपास टाइम का टेंशन मत लेना ठीक है अपन ने ये सेशन वैसे भी सुबह नौ से बारह रखा है अपना नेक्स्ट ने सेशन बच्चों हमने दो बजे रखा है सेल्स ऑफ गुड्स का ये मैंने इसलिए रखा है कि बीच में आपको लंच ब्रेक भी मिल जाएगा और अगर सेशन में थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में अपने पास दो घंटे का स्पेयर टाइम रहेगा बट आज बच्चों तीन एक्ट खत्म करके ही दम मारेंगे थैंक यू सो मच साक्षी तेजर्स सर कैसेस कैसे, कैसे याद रखें तेजस कुछ नहीं है पूरे कम्बोसैक्ट में कितने केस है पूरे कम्बोसैक्ट में जो केस के नाम आपको याद रखने हैं मैक्सिमम ये दस से बारह है मैक्सिमम दस से बारह है भाई बारह नाम याद रखने हैं बारह बार रिवाइज कर लो काम खत्म ठीक है बारह बार रिवाइज कर लो काम खत्म वन एम टेन टू से लॉ जैसे सब्जेक्ट में ना जितने ज़्यादा मल्टीपल रिविजन आप करते हो उतना आपको याद आता है थैंक यू सो मच नंदिनी चीज सेंगी सर मैं सीए के भी स्टूडेंट्स सी सीएस के भी स्टूडेंट्स बहुत सारे एजुकेटर्स को बट यूर टीचिंग इज अमेजिंग थैंक यू दम मारेंगे ओपी यस तो बच्चों इससे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट की और चलते हैं टाइप्स ऑफ द कंपनी

और तीनों को ऑन एन एवरेज बच्चों में एक घंटा देता हूँ एक घंटा एक घंटा एक घंटा मैक्सिमम इतने में कंपटीशन होना चाहिए ओके एवरीबॉडी यस नॉर्मली मैं स्लाइड्स के साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व कराता हूँ बट कंपनी साइड क्योंकि नया एडिशन है आपका सिलेबस में क्वेश्चंस उतने नहीं है भाई ठीक है एम टी बी वैसे मैं आपको भेज दूंगा आपके एग्जाम के पहले मैं अपने ही टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा राइट बट उतने क्वेश्चन नहीं है इसलिए कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों में यहीं पे आपको सॉल्व कराते जाऊंगा एंड आई यू मैं फिर से बोल रहा बोला इस मैराथन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा नाम चेंज होंगे चिंटू की जगह रमेश होगा दिनेश होगा बट क्वेश्चन यही आएंगे ये यह प्रॉमिस है आपको ओके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके बाहर नहीं आएंगे यही प्रॉमिस है आपको चलो सर टाइप्स ऑफ कंपनी नाउ यहाँ बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है क्या भाई तुम्हारी कंपनी कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है या नहीं क्या तुम्हारी कंपनी कम्बे के अंदर रजिस्टर हुई है या नहीं नंबर वन है बच्चों अनरजिस्टर्ड कंपनी अनरजिस्टर्ड कंपनी मतलब वो कंपनी जो कम्पनी के नहीं हुई है बच्चों बेस्ट एग्जांपल है मतलब एल आईसी फॉर्म हुआ सर एल आई सी एक्ट के अंदर आरबीआई फॉर्म हुआ सर, सर आरबीआई एक्ट के अंदर एंड इन फैक्ट सर सी ए हमारा आईसीआई फॉर्म हुआ अंडर सी एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन ऑल दिसम स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इस क्योंकि बच्चों स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर फॉर्म हुआ है तो वही एक्ट उसे गवर्न करता है जैसे आईसीआई को सी एक्ट गवर्न करता है बच्चों कोई ना कोई पब्लिक यूटिलिटी वाला काम करती है यस yes.

जहां जहां उनकी एक्ट साइलेंट है वहां वहां बच्चों होगा, आर रजिस्टर्ड कंपनी इसे ही बोलते हैं इंडियन कंपनी बोलते हैं है, घरेलू कंपनी मतलब क्या डोमेस्टिक कंपनी एवरी कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड

बच्चों लोग नॉर्मली बोलते तीन टाइप की कंपनी होती है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ओपीसी ओ हेलो ओपीसी आप दो ही टाइप की कंपनी फॉर्म कर सकते हो आई रिपीट एवरीबॉडी इंडिया में आप दो ही टाइप की कंपनी फॉर्म कर सकते हो नंबर वन पब्लिक कंपनी नंबर टू प्राइवेट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के बच्चों तीन वेरिएशन है नंबर वन नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जिसको हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं नंबर टू बच्चों ओपीसी ओपीसी तो माइंड यू इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड नंबर थ्री बच्चों स्मॉल कंपनी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल एक लिमिट के ऊपर नहीं जाता टर्न एक लिमिट के ऊपर नहीं जाता बच्चों से हम बोलते हैं स्मॉल कंपनी ओके एवरीबॉडी ठीक है सो नॉर्मली okay, so, दो टाइप की कंपनी फॉर्म करते हैं हम लोग नंबर वन पब्लिक कंपनी नंबर टू प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी के बच्चों तीन वेरिएशन होते हैं नॉर्मल कंपनी ओपीसी स्मॉल कंपनी नंबर टू इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल मतलब बच्चों देखो ये कोई टाइप नहीं है ये दो कंपनी के बीच के रिलेशन की बात कर रहा है यह कोई टाइप ऑफ कंपनी नहीं बच्चों ये दो कंपनी के बीच के रिलेशन की बात कर रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल बच्चों या तो दो कंपनीज़ एक दूसरे के होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी हो गए या एक दूसरे की एसोसिएट कंपनी हो गए या बच्चों के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा जो है तो दो अलग कंपनी है अब दो अलग इंसान है या तो ये एक दूसरे के भाई बहन होंगे या एक दूसरे के दोस्त होंगे या उनका कोई रिलेटिव हो या कोई भी नहीं होंगे वैसे बच्चों कंट्रोल के बेसिस पे दो कंपनीज के बीच का रिलेशन बता सकते हैं, या तो ये एक दूसरे की होल्डिंग सब्सिडी होगी या एक दूसरे के एसोसिएट हो गए या कुछ नहीं होंगे ओके एवरीबॉडी नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग मतलब क्या आपकी कंपनी कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है

तो यू ऑल नो मेंबर्स की लाइब्रेट के हिसाब से या तो कंपनी के मेंबर्स की लाइब्रेटी लिमिटेड हो सकती है या अनलिमिटेड हो सकती है ठीक है लिमिटेड में तीन ऑप्शन लिमिटेड बाय 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 शेयर्स लिमिटेड लिमिटेड गारंटी गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल एंड लास्ट है बच्चों अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी मतलब ऐसे कंपनी जितनी लाइब्रेटी कंपनी की है उतनी लाइब्रेटी मेंबर्स की है अगर कंपनी अपनी लाइब्रेटी पे नहीं कर पाई तो मेंबर्स अपने घर से पैसा लेके आएंगे इसलिए बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कंपनी है ही नहीं है नहीं क्योंकि भाई अगर हमको अनलिमिटेड लाइब्रेरी चाहिए होता तो हम तो जीवन में पार्टनरशिप फॉर्म से एच से खुश थे ना क्योंकि हमें लिमिटेड लाइब्रेरी का बेनिफिट लेना है बच्चों तभी तो हमने कंपनी फॉर्म किया है

गारंटी ये कंपनी गारंटी इशू करती है यानी गारंटी एक्सेप्ट करती है और मेंबर बनाती है बट यू ऑल नो कि गारंटी वाली कंपनी बच्चों शुरुआत में आपको पैसा पे नहीं करना पड़ता ये पैसा आपको पे करना पड़ता है ये गारंटी आपको पे करना पड़ता है अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी राइट एंड नंबर थ्री बच्चों दोनों ये मैंने यहीं पे खत्म कर दिया फिर अदर्स में हमें क्या पढ़ना है सर अदर्स में हमें पढ़ना है नंबर वन गवर्नमेंट कंपनी नंबर टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 8 कंपनी यानी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट निधि कंपनी और डिफंक्ट कंपनी और बहुत कुछ ओके okay, एवरीबॉडी तो शुरू करें सभी लोग हेलो हाय हाउ आर यू सर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में ऑल लॉ सब्जेक्ट भी पढ़ाते हो क्या आई यूज टू टीच नंदिनी आई डोंट नाउ बिकॉज एक बंदा क्या क्या पढ़ाएंगे जीवन में इंडिया में नहीं अनलिमिटेड कंपनी ऐसा नहीं है पीयूष इंडिया में है अनलिमिटेड कंपनी कुछ कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे है जहां पे गवर्नमेंट बोलता है कि हमें अनलिमिटेड कंपनी चाहिए दैट इज रीजन ये कंसेप्ट है बट इक्का सी है दर्शन सर इन केस का आंसर लिखने का फॉर्मेट सब लोग अलग अलग बताते हैं तो कन्फ्यूशन होता है बिल्कुल दर्शन मैं आपको आंसर लिखने का फॉर्मेट बताऊंगा अच्छे से बताऊंगा बट आज के सेशन के एंड में बताऊंगा एंड में मैं पूरा पंद्रह बीस मिनट आपको डिस्कशन करूंगा एंड आई प्रॉमिस यू आई नो सब लोग अलग अलग बताते हैं आई प्रॉमिस यू मैं आपको वो बताऊंगा जो आई सी आई बताती है मुझे हर साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है बहुत सारे पेपर्स में देख भी चुका हूँ वैल्यूअर्स देख चुका हूँ स्टूडेंट्स देख चुका हूँ मैं आपको एकदम बेस्ट एडवाइस दूंगा उस, तो, उसी को फॉलो करना काम खत्म हो जाएगा और अगर आपको और कुछ चाहिए इस पॉइंट पे तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ मेरे नाम के साथ में वहां बच्चों आपको दिख जाएगा एग्जैक्टली exactly कैसे लिखना होता है ओके okay, एवरीवन आगे बढ़े बच्चों चलो तो शुरू करते हैं सो सर टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करू तो बच्चों सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी सबसे पहले तो मैं तुम्हारी आंखें खोल दू भाई प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई प्राइवेट और पब्लिक का बच्चों गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है पब्लिक है तो गवर्नमेंट है प्राइवेट है तो गवर्नमेंट नहीं ऐसा कुछ भी नहीं भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक कंपनी क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है इज अ पब्लिक कंपनी क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है नहीं प्राइवेट पब्लिक का यहाँ पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है यहां लेना देना इसी से है कि क्या आप पब्लिक को जनरल ऑफर कर सकते हो कि कोई भी आके आपका शेयर्स खरीद ले ठीक है क्या आप पब्लिक को पब्लिक ऑफर कर सकते हो अगर आप पब्लिक ऑफर कर सकते हो तो आप पब्लिक कंपनी है अगर आप पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते तो बच्चों आप पब्लिक कंपनी नहीं हो राइट इन शॉर्ट प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में एक ही डिफरेंस है बच्चों प्राइवेट कंपनी में चार रेस्ट्रिक्शन है जो पब्लिक कंपनी में नहीं है आई रिपीट प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का गवर्नमेंट से कुछ लेना देना कंपनी है एक ही फर्क है बच्चों की प्राइवेट कंपनी में चार रेस्ट्रिक्शन है जो पब्लिक कंपनी में नहीं है नंबर वन प्राइवेट कंपनी बच्चों पब्लिक को सिक्योरिटी इश्यू नहीं कर सकती जब मैं बोलता हूं पब्लिक को सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती मतलब पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती ऑफर क्या होता है सर जनरल ऑफर जनरल ऑफर नहीं कर सकती कि जो चाहे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे प्राइवेटली yes, शेयर्स so, प्लेस कर सकती है यानी लोगों को शेयर्स दे सकती है बट जनरल ऑफर नहीं दे सकती तो फर्स्ट डिसीजन क्या है बच्चों प्राइवेट कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती मतलब क्या भाई डिपोजिट क्या होता है होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स

लिमिट कितनी है सबुल देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों लिमिट है 200 हेलो एवरीबॉडी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं 200 अगर प्राइवेट कंपनी में 200 से ऊपर मेंबर बन जाए बच्चों तो फिर उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू पब्लिक कंपनी आई रिपीट अगर प्राइवेट कंपनी में 200 से ऊपर बन जाए मेंबर कुछ लोग इनोसेंटली बोलते हैं कि वो बन जाएगा इल्लीगल एसोसिएशन नहीं

अगर इन कंपनीज में 200 से ऊपर मेंबर हो जाए तो बच्चों ठीक है पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी लोग बच्चों ये 200 का कैलकुलेशन थोड़ा अलग है बच्चों ये जो दो सौ का कैलकुलेशन है वो सेक्शन टू क्लॉस सिक्सटी एट के हिसाब से है और ये नॉर्मल से अलग है मैं फिर से बोल रहा हूं नंबर वन जब आप दो सो की काउंटिंग करोगे बच्चों जॉइंट मेंबर्स विल बी काउंटेड एज वन अगर एक ही शेयर के जॉइंट होल्डर्स हैं जॉइंट होल्डर्स हो सकते हैं यस मैं मेरे दो दोस्त हम तीनों मिलकर कंपनी में शेयर्स खरीद सकते हैं हम तीनों मिलकर सौ शेयर्स होल्ड किए सपोज तो जॉइंट मेंबर से हम सौ शेयर्स के तो हम तीनों को तीन नहीं मानेंगे हम तीनों को बच्चों एक ही मानेंगे एंड अगर आप पास इंप्लॉयज हैं इंप्लॉय थे अभी इंप्लॉय नहीं हो बट आपका शेयर्स अभी भी है या प्रेजेंट इंप्लॉय मेंबर हो मेंबर मतलब क्या होगा कि आप एम्प्लॉय भी हो और आपके पास हमारे तो काउंट तो तो कैसे करेंगे तो जो थे, अब पास एम्प्लॉय नहीं है उनके पास एम्प्लॉय भी है बच्चों दे आर नॉट काउंटेड मेरे भाई तो दोस्तों की काउंटिंग कुछ रूल्स है रूल्स क्या है दो रूल है बच्चों याद रखना क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको वो भी बताता हूँ

ठीक है तो क्वेश्चन सब लोग बच्चों एक्स लिमिटेड था ऐसा क्वेश्चन आएगा इसके बाहर क्वेश्चन आई नहीं सकता सुनना एक्स प्राइवेट लिमिटेड चलो प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव के पास थे सपोज ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव के पास थे सपोज डेढ़ सौ डेढ़ सौ में डायरेक्टर्स उनके रिलेटिव डेढ़ सौ ओके फिर पास मेंबर्स जो पास में एम्प्लॉयज थे वो थे बच्चों बीस प्रेजेंट एम्प्लॉइज थे बच्चों प्रेजेंट एम्प्लॉयज थे बच्चों बीस बीस अदर्स थे सपोज बीस और दस कपल्स ने शेयर्स होल्ड किए दस कपल्स ने शेयर्स होल्ड किए ठीक है जॉइंटली दस कपल मतलब है मतलब टोटल लोग कितने बीस तो अगर इन टोटल आप शेयर चेक करोगे तो वन फिफ्टी प्लस एटी ये हो गया आपका टू थर्टी मेंबर्स। क्वेश्चन ये आएगा कि क्या इस कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हेलो हेलो हेलो, क्या इस कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो नॉर्मल मेंबरशिप के कैलकुलेशन के हिसाब से बच्चों ये 230 मेंबर है ठीक है बट सेक्शन टू क्लॉसटी 68 की काउंटिंग के हिसाब से सेक्शन 68 की काउंटिंग के हिसाब से बच्चों ये 150 को मानेंगे 150 पास इंपोर्स को हम काउंट नहीं करते जीरो को हम काउंट नहीं करते जीरो अदर्स तो काउंट करेंगे भाई बीस और दस कपल जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं बीस लेकिन कपल तो दस है जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं मतलब काउंटिंग में कितना काउंट करेंगे कितना काउंट करेंगे टेन तो 150 प्लस 30 ये कितना हो गया 180 क्योंकि सेक्शन टू को 68 के हिसाब से 200 मेंबर के ऊपर नहीं जा रहे बच्चों यानी इस कंपनी को इले इस कंपनी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इनटू पब्लिक कंपनी हाय एवरीबॉडी बाय मैक्स देखना बच्चों इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आया तो चक फट्टे 90 गिल्ली कर देना और बिंदास देना भाई कि सेक्शन टू तो क्लॉस सिक्सटी के हिसाब से जब हम मेंबरशिप काउंट करते हैं तो पांच सौ परसेंट्लॉय काउंट नहीं करते और अगर जॉइंट होल्डर्स ऑफ द है तो बच्चों काउंटिंग में वो हम एक ही काउंट करते हैं okay, company, 68. बड़ी है यार। कौन सी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, है प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी को बच्चों में डिफाइन नहीं किया हुआ है बट एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पे वो क्या बोलता है जल्दी से देखना हाँ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई यहाँ पे वो क्या बोलता है देखना यस yes. <laughs> तो वो क्या बोलता है बच्चों ठीक है देखना वो बोलता है एनी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी हो बट यू बिकम सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी

और इंडिया में तो अच्छा तो एग्जाम्पल है भाई टाटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा मोटर टीसीएस होल्ड करके रख रहा है बट क्या वो टीसीएस प्राइवेट कंपनी बन गई नहीं तो 22 वर्षा बच्चा वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो यहां बच्चों हमने पब्लिक कंपनी देख लिया प्राइवेट कंपनी देख लिया किसी कोई डाउट है मुझे बता दो वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं ऐसे बहुत ही चिल्ट है सिंपल है सुबह जो अंदर शाम को मिल जब बात ऑल क्लियर हाय अर्शिया हेलो पियूष साक्षी धीरज तिवारी साहब बढ़िया 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 है ना पीयूष क्या बात है बढ़िया पीयूष बोलते मतलब सर समय का मालूम ही नहीं पड़ रहा सेम ईयर पीयूष आपको तो भी पता नहीं चलेगा आप तो बढ़िया घर में बैठ के आराम से चद्दर ओढ़ के ए चालू करके देख रहे हो या बढ़िया बारिश चलती देख रहे हो पता तो हमको चलता है हाय साक्षी आई एम गुड हाउ आर यू मजा 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 Yes, everyone. Yes, everyone. आगे बढ़ते हैं भाई अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे ओ पीछी वन पर्सन कंपनी बच्चों इसमें एक अमेंडमेंट भी है और इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बिंदास बता देता हूं वेरी सिंपल और इसमें कुछ टीचर्स ने कंफ्यूजन भी क्रिएट किया है इंडिया में वो भी सॉर्ट कर देता हूं और मैं फिर से बोल रहा हूं मैं आपको जो बोल रहा हूं वो हंड्रेड सही है और उसी को फॉलो करना मैं हवा में कोई बात करूंगा नहीं मुझे मुझे डाउट डाउट तो मैं सीधा बोल दूंगा भाई मुझे है डाउट मुझे नहीं नहीं है मैं क्लियर हूं। okay? मैं क्लियर ओके क्योंकि सिर्फ फाउंडेशन फाउंडेशन पढ़ा रहा और इंटर में भी पढ़ाता आपके जितने भी के सब अमेजिंग बहुत कम जो नहीं पढ़ाते बच्चों शुरू करते हैं

राइट सर नॉमिनी कंपनी नहीं है यहाँ पे नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी है सबको पता है बच्चों बिकॉज़ कम ओपीसी मेंबर कितना है एक ही तो मेंबर है बेचारा वो मर गया तो क्या करेंगे इसलिए बच्चों ओपीसी में नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी होता है नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ये सुनना और यही पे एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा अमेंडमेंट है कि ओपीसी के इस ओपीसी के मेंबर बनने के लिए या इसका नॉमिनी बनने के लिए आई रिपीट रेसिडेंट ओपीसी का मेंबर बनने के लिए या नॉमिनी बनने के लिए ओके okay, क्वालिफिकेशन क्या है तीन पॉइंट है नंबर वन आपने नेचुरल पर्सन होना चाहिए मतलब आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बन सकता ओपीसी का मेंबर नंबर टू इंडियन सिटीजन होना चाहिए नंबर थ्री बच्चों रेसिडेंट होना कंपलसरी नहीं है

इंटर में आया था वो मैं डिस्कस करता हूं बच्चों तो मिस्टर अमन जो अपने ओपीसी के मेंबर है उसकी बच्चों एक सिस्टर है बहना नविता जो उसके ओपीसी की नॉमिनी है बच्चों ठीक है नविता की शादी होने वाली है और उसका दूल्हा है यूएस में तो अमन आपसे पूछ रहा है अमन आपसे पूछ रहा है कि भाई अब तो वो यूएस चले जाएगी तो क्या ओपीसी का नॉमिनी चेंज करना पड़ेगा हेलो एवरीबॉडी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू क्या ओपीसी का नॉमिनी चेंज करना पड़ेगा बताओ बताओ जल्दी बताओ गुड मॉर्निंग नूबू, नूबू क्या बच्चों ओपीसी का नॉमिनी चेंज करना पड़ेगा नो 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 वेल डन बच्चों द आंसर इज नो क्यों भाई क्यों भाई क्योंकि भाई अब इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है वो इंडियन सिटीजन है ना काफी है काफी परफेक्ट परफेक्ट ओके ऑल दो ऑल दो उससे बोल दिया एक पॉइंट

हमारे काम का नहीं है हमारे काम का है भाई इंडियन रेसिडेंट होना कंपलसरी नहीं है पहला अमेंडमेंट क्या बात लव यू फॉर दैट नेक्स्ट है बच्चों रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है पहला अमेंडमेंट आई होप आप सबको अच्छे से समझ गया है कि भाई कि भाई रेसिडेंट होना अब कंपलसरी नहीं है। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए बच्चों ठीक है भाई कि एक पर्सन एक ही ओपीसी फॉर्म कर सकता है या वो एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है तो एक बंदा बच्चों तो का हो सकता है या एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है और एक ही ओपीसी का बच्चों नॉमिनी हो सकता है क्लियर एवरीबॉडी फर्स्ट पॉइंट नंबर टू माइनर अच्छा माइनर इसमें क्वेश्चन है मेरा आप लोग को क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक ओपीसी का मेंबर हूं और एक ओपीसी का नॉमिनी हूं क्या बच्चों मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक ओपीसी का मेंबर हूं और एक ओपीसी का नॉमिनी हूं जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करना सभी लोग एक ओपीसी का मेंबर एक ओपीसी का नॉमिनी द आंसर इज सी एस इट इज अलाउड इट इज अलाउड ठीक है बट जिसमें आप नॉमिनी हो वो मर गए तो आप दो ओपीसी के मेंबर बन जाओगे ऐसे केस में क्या होगा मैं आपको सीए इंटरव्यू पढ़ाऊंगा इंटरेस्टिंग है बट छोड़ो यस अलाउड है बच्चों <laughs> फिर माइनर टिल्लू ना तो ओपीसी का बच्चों है ना ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है नंबर टू बच्चो ओपीसी कि ओपीसी को भाई आप किसी भी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो बट सेक्शन 8 कंपनी में बच्चों कन्वर्ट नहीं कर सकते नेक्स्ट ओपीसी कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी मतलब बच्चों कोई और कंपनी भी ओपीसी की मेंबर नहीं हो सकती

बिफोर बता बताना अच्छे से बहुत सिंपल है कहानी क्या है सर बच्चों पहले एक रूल हुआ करता था कि ओपीसी का मैक्सिमम लिमिट कितना है ओपीसी में टर्नओवर कितना हो सकता है पेडो कैपिटल कितना हो सकता है बच्चों ये सब हटा दिया गया है मतलब ओपीसी में कैपिटल कितना भी हो टर्नओवर कितना भी हो बच्चों उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस ओपीसी में टर्नवर कितना भी हो कुछ भी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है नंबर वन नंबर टू पहले लॉ था कि आप पहले के दो साल कन्वर्ट नहीं हो सकते इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी वो भी बच्चों हटा दिया गया है मतलब नंबर वन तीन बड़े बड़े आर्मेंट सुन लो बच्चों ओपीसी में नंबर वन भाई अब ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है नंबर टू तुम्हें जब कन्वर्ट करना है पहले दो महीने में पहले छह महीने में पहले दो साल में पहले पांच साल में जब कन्वर्ट करना है कन्वर्ट करो कोई रूल नहीं है नंबर थ्री आपके लिए कोई अप कैपिटल और कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है आई होप आई एम क्लियर विद एवरीबॉडी इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है इस पॉइंट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है क्या किसी को कोई भी डाउट है मुझे बताओ हाँ अनलिमिटेड कुणाल अनलिमिटेड क्या बात है पीयूष अब ओपीसी को बन्नी बना दिया गया है वो उड़ेगा भागेगा गिरेगा रुकेगा नहीं वाह वेटिंग वा। किसी को डाउट आई एम वेटिंग फॉर थर्टी सेकेंड्स और फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई तीन घंटे का पूरा टाइम लगेगा मुझे तीन घंटे पढ़ाने में लगेंगे पम्पी साहब को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आराम से उसमें हर डेढ़ घंटे के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में एक ब्रेक लूंगा आपको ही ब्रेक दूंगा मैं भी ब्रेक लूंगा बिकॉज बच्चों वो एनर्जी से पढ़ाता हूँ मैं मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूँ यार मैं वो जबरदस्ती नहीं खींचता कोई चीज को तो करीब ग्यारह बजे के आसपास हम एक ब्रेक लेंगे उसके पहले हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज खत्म कर देंगे ओके okay, एवरीबॉडी तो आगे बढ़ते हैं सभी लोग नेक्स्ट है बच्चों स्मॉल कंपनी और स्मॉल कंपनी में भी एक अमेंडमेंट है स्मॉल कंपनी अमेंडमेंट है और उसमें क्वेश्चन भी दो टाइप के आ सकते हैं ध्यान देना बच्चों सभी लोग ध्यान देना सभी लोग तीन चार टाइप के कॉम्पिटिशन में आते हैं स्मॉल कंपनी का सेक्शन याद करना मजदूर सेक्शन टू क्लास एटी करना स्मॉल कंपनी को वो क्या बोलता है कोई भी कंपनी अगर दोनों भी कंडीशन फुलफिल करता है शब्दों में बच्चों एंड लिखा है और नहीं लिखा है कोई भी कंपनी बच्चों अगर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है मतलब ना तो उसका पेड शेयर कैपिटल दो करोड़ के ऊपर जाता है ये मैक्सिमम लॉ में लिखा हुआ है मैक्सिमम क्या होता है बच्चों लॉ बोलता है कि तुम यहां तक लॉ बना सकते हो बनाया आप दो करोड़ ये तो फॉलो अपने दो करोड़ ही करना और जिसका टर्नओवर बच्चों पिछले फाइनेंशियल ईयर में बीस करोड़ तो यहां पे बच्चों दो लिमिट है दो करोड़, बीस करोड़। जो पहले पचास लाख और दो करोड़ थी वो हटा के अब दो करोड़ और करोड़ आपका, तो आपका पेड कैपिटल बच्चों दो करोड़ के ऊपर जाएगा ना आपका टर्नओवर बच्चों बीस करोड़ जाएगा दोनों कंडीशन दो में से एक भी चला गया तो फिर यू विल नो लॉन्गर बी अ स्मॉल कंपनी तो देर इज चांस कि बच्चों ये क्वेश्चन आई एम श्योर नाइनटी फाइव परसेंट आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन बच्चों, बच्चों एग्जाम में आएगा और इंपॉर्टेंट क्या है प्लीज समझना बच्चों दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका पेड शेयर कैपिटल था डेढ़ करोड़ और उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर है भाई तीस करोड़ तो क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है का सर वो मैक्सिमम लिमिट अरे वो मैक्सिमम लिमिट जो है बेटा वो एक्ट बनाने के लिए लिमिट है उसको छोड़ दो इसको इग्नोर करो ये मैक्सिमम को इग्नोर करो तुम तुमको मतलब है दो करोड़ और बीस करोड़ से क्या ये स्मॉल कंपनी है वेल डन एवरीबॉडी द आंसर इज सर ये स्मॉल कंपनी नहीं है वेल डन एवरीबॉडी द आंसर इज सर ये स्मॉल कंपनी नहीं है क्यों दोनों भी कंडीशन ऐसा होना चाहिए भाई यहां तेनोर तो बीस करोड़ के ऊपर चला गया ना तो भाई ये स्मॉल कंपनी नहीं है एम आई क्लियर एवरीबॉडी यस आगे बढ़े सब, सब लोग तो सर ये पॉइंट समझ गया और आपको मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता सुनना ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बच्चों याद रखना सभी लोग सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए और इंटर में भी बच्चों इसके कई क्वेश्चन आ चुके हैं आपके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन देखो बच्चों इंटर में क्वेश्चन आता एक्स लिमिटेड है एक्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी इसका कैपिटल भी दो करोड़ के ऊपर नहीं जाना इसका टर्न बीस इस करोड़ के ऊपर नहीं, no. no. नहीं हो अगर आप पब्लिक कंपनी हो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो अगर आप किसी कंपनी के होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी हो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो बच्चों ये भी क्वेश्चन हिसाब में आ चुका है सेक्शन एट कंपनी आप सेक्शनल कंपनी हो भाई तो तुम भी स्मॉल कंपनी नहीं हो एंड लास्ट पॉइंट स्टैचुरी कंपनी मतलब स्मॉल कंपनी सिर्फ कंपनीज एक्ट में जो प्राइवेट कंपनी बनती है उसी के लिए लिमिट है बच्चों गलती मत करना अगर स्मॉल कंपनी पे क्वेश्चन आया सबसे पहले चेक करना भाई कि वो प्राइवेट कंपनी है कि नहीं क्या कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड लिखा है या नहीं लिखा है उसके बाद ही बच्चों जो भी दिमाग लगाना है दिमाग लगाना ओके okay, एवरीबॉडी

स देन फिफ्टी वन परसेंट ऑफ द पेडअप कैपिटल कोई भी कंपनी अगर उसमें नॉट लेस देन 51 परसेंट ऑफ द पेड अप कैपिटल हेल्प करता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या जॉइंटली मिला के बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ठीक है कितने परसेंट बच्चों 51 परसेंट और पेडअप शेयर कैपिटल दिया हुआ है पर अब बच्चों इसमें अमेंडमेंट आ चुका है और क्लियरली बोला गया है पेडअप शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स मतलब भाई नॉर्मली तो पेडअप कैपिटल में इक्विटी भी आता है और प्रेफरेंस भी आता है बट यहां पे बोला हुआ है हैविंग वोटिंग राइट्स ओके okay, एवरीवन मतलब मतलब भाई सिर्फ इक्विटी शेयर से मतलब है देन इसमें और एक पॉइंट है

नंबर वन अगर आपका 51 वन परसेंट पेड शेयर कैपिटल हेल्प कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या उनके पार्टली तो ऐसे केस में और नंबर टू इफ यू बिकम सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी यू आर डीम टू बी गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों सेक्शन है सेक्शन टू क्लास फोर्टी ये भी आई वुड एडवाइस यू कि आपने बच्चों याद कर लेना चाहिए नेक्स्ट हाँ, है बच्चों सेक्शन सेक्शन कंपनी कंपनी को बोलते हैं कंपनी नॉट कंडीशन क्या है भाई ऐसी बनाने के लिए. आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कुछ ना कुछ प्रमोट करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव भाई प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बच्चों कुछ ना कुछ प्रमोट करने के लिए प्रमोट क्या करना है सर प्रमोट करना है या तो आर्ट साइंस स्पोर्ट्स एजुकेशन सोशल वेलफेयर चैरिटी एक्सेट्रा प्रोफेशन बिजनेस बच्चों सेक्शन एट कंपनी बनने के लिए देर थ्री कंडीशन जो आपको याद रखनी है नंबर वन आपको कुछ ना कुछ प्रमोट करना है आर्ट साइंस कॉमर्स रिलीजन एक्सेट्रा नंबर टू बच्चों जितना भी प्रॉफिट मिलेगा यू कैन नॉट पे डिविडेंड मेंबर्स और इस पे आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आपको बोला जाएगा कि भाई ये सेक्शन 8 कंपनी है ये प्लान कर रही है अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे करने का आप बोलोगे नो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज़ सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे कर ही नहीं सकती इस इनकरेक्ट सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे कर ही नहीं सकती ओके एवरीबॉडी नंबर 3 नंबर 3 भाई मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करेंगे जितना भी प्रॉफिट आएगा वो अपने ही पर्पस के लिए यूटिलाइज करेगी ओके आई रिपीट कंपनी बनने के तीन कंडीशन है नंबर वन आपका ऑब्जेक्ट कुछ कुछ ना प्रमोट करने के लिए होना चाहिए आपको जो भी प्रॉफिट आता है उससे आप मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं कर सकते यू हैव टू अप्लाई दिस प्रॉफिट ठीक है ओनली फॉर द परपज फॉर विच दिस कंपनी इज फॉर्म सर इस कंपनी को ही साथ साथ बोलते हैं लाइसेंस कंपनी

लाइसेंस लेने का इफेक्ट क्या पड़ता है भाई आपको आपके नाम के आगे प्राइवेट या लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं ये सिस्टर कंपनी को बच्चों बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं ओके बट ये पॉमेंट नहीं भाई ये तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से किसी भी कंडीशन का आपने वॉलेशन किया या ने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर लिया ये मेम्बर्स को डिविडेंड पे कर दिया कोई वोलेश, किया बच्चों तो आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा जाएगा रिवोक छीन लिया जाएगा कैंसल कर दिया जाएगा मर डाला यस yes. लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा बच्चों रिवोक कर दिया जाएगा ठीक है रिवोक करने का पावर किसके पास है रीजनल डायरेक्टर के पास है देखो बच्चों इश्यू करने का पावर आर के पास है रिवोक करने का पावर रीजनल डायरेक्टर के पास है आप दोनों जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिख सकते हो ऑन अ सेफर साइड नेक्स्ट भाई कब रिवोक करेंगे अगर ब्रीच हो रही है कंडीशंस का तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में भाई मेरे अगर रिवोक हो गया है तो या तो कोई और कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी या कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा और क्या ही कर लोगे तुम जीवन में कोई और कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी या भाई कंपनी का वाइंड अप करना पड़ेगा ओके एवरीबॉडी परफेक्ट सुमित भाई सो होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी का सेंस एंजॉय करते हैं सुमित भाई कंपनी साइकिल से पेरेंट कंपनी इज नथिंग पेरेंट कंपनी कंसेप्ट है ही नहीं कंपनी साइक में तो पेरेंट कंपनी आप जो बोलते हो वो कंट्रोल के हिसाब से और शेयर होल्डिंग के हिसाब से ही बोलते हो कंपनी साइक में उसे होल्डिंग कंपनी बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसे मानते पेरेंट कंपनी

हम लोग रिज्यूम करेंगे कितने बजे भाई और ब्रेक्स को ले रहा भाई भाई तो मेरी एनर्जी रात तक बचे हर एक्ट आपके लिए उसी इक्वल एनर्जी से मैं विल रिज्यूम एट ग्यारह बजे बच्चों आधे घंटे का ब्रेक ब्रेकफास्ट विकास कर लो आ जाओ मेरे साथ में बाद में लंच बाद में देंगे इलेवन थर्टी ओके और ये सेशन चलेगा करीब एक बजे तक बता रहो सभी को

शुरू करता हूं बच्चों अपना आगे का सेशन यस आई सीम टू बी लाइव नाउ एंड इफ आई एम लाइव बच्चे शुरू करते हैं अपना सेशन तो नेक्स्ट बच्चों टाइप्स ऑफ कंपनीज में जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो है होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी राइट दो कंपनी ठीक है फिर से बच्चों कंपनीज एक्ट में ये भी कंपनी अलग इनकॉर्पोरेट हुई है और ये भी कंपनी अलग एस लिमिटेड की बात करूं बच्चों या एस कंपनी की बात करूं बच्चों सपोज इसमें होंगे इक्विटी शेयर सपोज इसमें होंगे सपोज इसमें होंगे कन्वर्टेबल प्रिफरेंस क्टी शेयर प्रिफरेंस और कन्वर्टेबल प्रिफरेंस इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि एच लिमिटेड को अगर होल्डिंग कंपनी बनना है एच लिमिटेड का तो इसके पास तीन ऑप्शन है या तो बाय हिमसेल्फ खुद से हिमसेल्फ खुद से यानी वो खुद होल्ड कर रहे हैं या अलोंग विथ इट सब्सिडरी

मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग राइट यानी एस लिमिटेड बच्चों जितने भी वोटिंग राइट है या वोटिंग राइट्स वाले शेयर है यानी कौन से बच्चों बेसिकली इक्विटी शेयर है प्रीफरेंसर से मतलब नहीं है हमको कम्बर्टेबल प्रीफरेंस से मतलब नहीं है बच्चों अगर यह होल्ड कर रहा है मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग राइट वाले शेयर इन एस लिमिटेड तो हम बोलेंगे बच्चों एस लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी

और हमको देखना है कि सामने वाली कंपनी में इक्विटी शेयर्स कौन से है और यह उस इक्विटी शेयर्स में से क्या मोर देन हाफ शेयर्स होल्ड करता है या नहीं ओके एवरीबॉडी वैल्यू में चेक कर सकते हो या आप नंबर में चेक कर सकते हो तो एक क्लासिफिकेशन जो होल्डिंग सबसे डेरी का है बच्चों वो ये है दूसरा क्लासिफिकेशन है अगर एच लिमिटेड एस लिमिटेड का कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर एच लिमिटेड एस लिमिटेड में होल्ड करना है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर अब सर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड बोर्डर को कंट्रोल कैसे करते हैं बहुत सिंपल है बच्चों ये पॉइंट सुनना या तो ऑल या तो ऑल या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर या तो ऑल ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है या तो ऑल या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स बच्चों अगर एच लिमिटेड एस लिमिटेड में कर सकता है या रिमूव कर सकता है फिर से बच्चों तो में कर सकता है या तो ऑल या मेजोरिटी अपॉइंट रिमूव कर सकता है बच्चों तो हम बोलते हैं एच लिमिटेड एस लिमिटेड के मेजोरिटी ऑफ बोर्ड कंपोजन बीओ डी का डिसाइड कर सकता है Okay, बच्चों दो पॉइंट है यहां पर दो पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने वन ठीक है, okay, है यह दो पॉइंट है सो सर फर्स्ट पॉइंट है होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी सेकेंड पॉइंट है बच्चो ठीक है देखते कंपनी इट्स और इट्स एंड सब्सिडरी मिला के या थ्रू इट सब्सिडरी क्या होल्ड कर रहा है मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ वोटिंग राइट्स इन द अदर कंपनी अदर कंपनी मतलब बच्चों सब्सिडरी कंपनी और सेकंड ऑप्शन है इफ इट कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एनी अदर कंपनी कंपोजिशन ऑफ बीओडी कंट्रोल कब करता है जब या तो ऑल या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को वो अपॉइंट कर सकता है या रिमूव कर सकता है राइट right? एक हो गया बच्चों होली सब्सिडी दूसरा है बच्चों एसोसिएट कंपनी एसोसिएट कंपनी मतलब क्या होता है अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करता है रिपीट अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करता है अब सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कितना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब बच्चों एटलीस्ट परसेंट ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ दोटिंग पावर्स या 20% परसेंट ऑफ द कंट्रोल या 20% परसेंट ऑफ द पार्टिसिपेशन इन बिजनेस एंड आगे डिफिनेशन बोलता है नॉट बींग सब्सिडरी

ओके आई होप आप लोगों सब को सबको समझ गया होगा और समझ गया है बच्चों तो आगे बढ़ते हैं नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी मैं फिर से बोल रहा हूँ आपके मॉडल में नहीं दिया हुआ है बट लिस्टेड कंपनी तो आपका सिलेबस में है एन बच्चों लिस्टेड कंपनी में अमेंडमेंट आया हुआ है लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में इज इट क्लियर तो मुझे तो बहुत स्ट्रांगली लगता है कि मुझे नहीं पता कि सीए फाउंडेशन में इंडिया में टीचर्स पढ़ा रहे हैं या नहीं बट ये अमेंडेड डेफिनेशन बच्चों आपको तो बिल्कुल मालूम होनी चाहिए एंड आई फील कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ अमेंडमेंट एवरीवन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ अमेंडमेंट एवरीवन मैं अनाउंस डालूंगा मैं डालूंगा सेशन खत्म होने के बाद तो ठीक है फंडा क्या है सी इसके पहले डेफिनेशन क्या थी भाई कि अगर किसी भी कंपनी के कोई भी यू कैन सी किसी भी कंपनी के कोई भी सिक्योरिटी अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती थी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में लिस्टेड होती थी हम उसे बोलते थे भाई लिस्टेड कंपनी तो कंपनी की बहुत सिंपल दी हुई थी कि भाई अगर तुम्हारे ठीक है कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में तो हम उसे बोलते थे इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो ही आप लिस्टेड कंपनी हो मेरे पॉइंट फोकस करना बच्चों अगर आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो ही आप लिस्टेड कंपनी हो अगर आपके प्रेफरेंस है या आपके डिबेंचर्स लिस्टेड है तो भाई आप नहीं एक बस बस उनको बोल एसी चालू करा बस। अगर आपके है, या आपके डेट कंपनी तो आप नहीं होगी ये बेस पकड़ लो बच्चों बस ठीक है तो डेफिनेशन क्या मैं आपको बता रहा हूँ सभी लोग कंपनी नॉट बिंग कंसिडर्ड लिस्टेड कंपनी के बेसिक रूल क्या बोला है कि भाई अगर तुम्हारे स्टॉक लिस्टेड है कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज में यू विल बी लिस्टेड कंपनी बट आगे बोला हुआ है कि कंपनी इज नॉट टू बी कंसीडर लिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी कब कंसीडर नहीं होगा नेगेटिव लिस्ट दिए बच्चों अगर पब्लिक कंपनी में इक्विटी शेयर्स छोड़ के मैं वैसे बोल चुका बच्चों अगर इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है तो फिर तो भाई आप लिस्टेड कंपनी हो ठीक है बट अगर आपके नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज डेथ सिक्योरिटी है तो अब लेस्टर कंपनी नहीं हो आपके नॉन कन्वर्टेबल लिस्ट हो रहे हैं आपकेबल कंपनी नहीं हो और बोथ ठीक है तो पब्लिक कंपनी के रूल क्या बनाया कंपनी अगर तुम्हारी इक्विटी शेयर नहीं है क्योंकि इक्विटी तो तुम लिस्टेड हो जाओगे इक्विटी शेयर्स भी लिस्टेड नहीं है और तुम्हारे नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज भी लिस्टेड नहीं है नॉन कन्वर्टेबल प्रिफरेंस भी लिस्टेड नहीं है तो भाई तुम लिस्टेड कंपनी नहीं हो प्राइवेट कंपनी

अगर तुम्हारे सिक्योरिटीज इंडिया के बाहर भी लिस्टेड है या तो outside India, outside India अगर तुम्हारे लिस्टेड ठीक है इंडिया के बाहर Diction, तो भी भाई तुम लिस्टेड कंपनी नहीं हो ओके तो इन तीनों को अगर मैं कर दू, इन तीनों को मैं कर दू, आपके लिए इजी वे में, या आप याद रख सको तो कहानी बहुत सिंपल है देखो क्शन आ रहा था टू क्रॉस फिफ्टी टू ये भी बना देना और ये बहुत कम लोग पढ़ा रहे इंडिया में लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाना चाहिए कंपनी में में एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है मैंने क्या बोला सबसे पहले बोला भाई पब्लिक कंपनी दूसरा बोला भाई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी हमने क्या बोला कि पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं होगी नॉट लिस्टेड पब्लिक कंपनी भाई लिस्टेड नहीं होगी इफ उसका इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है तो जरूरी लिखना उसके इक्विटी शेयर्स लिस्ट नहीं है ये क्लियर हो गया बट उसका कन्वर्टेबल प्रिफरेंस शेयर्स या उसका कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड तो भाई अगर तुम्हारी कोई शेयर लिस्टेड नहीं है बट तुम्हारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज भी लिस्ट हो गए तो भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यू विल नॉट बी लिस्टेड या तीसरा पॉइंट पकड़ लेते हैं बच्चों आउटसाइड भी इंडिया अगर तुम लिस्टेड हो तुम भी तो भी तुम लिस्टेड नहीं हो डन Not हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मतलब तो प्राइवेट कंपनी अगर बात करू प्राइवेट कंपनी में यू आर नॉट लिस्टेड तुम लिस्टेड नहीं हो भाई इवन इफ यू आर डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ये चार बच्चों फटाफट अच्छे से ड्रॉ कर लेना शॉर्ट में मैंने समझा दिया है आपको पीयूष फुल्ली पेडअप पार्टली पेडअप की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे फुल्ली पेडअप पेडअप पार्टली मैडअप की बात ही नहीं है शेयर्स डिवेंचर्स यानी डेट सिक्योरिटीज की बात चल रही है फुल्ली पेडअप पार्टली पेडअप की कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे दिस इज़ अमेंडमेंट एवरीबडी आई नो कि शायद आपको किसी एजुकेशन में नहीं पढ़ाया होगा पर आई वुड एडवाइस टू यू कि ये अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि तो आपके सिलेबस में है ये ओके एवरीबडी डन बाकी आप लोग लो स्क्रीनशॉट ले लो आगे बढ़ता हूँ मैं तो भाई कंप्लीट कर दी होल्डिंग सब्सिडी भी खत्म करा दिया क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो भी बता दिया ओके गवर्नमेंट कंपनी अपना हो चुका है सेशन टू क्लास आगे बढ़ते हैं सेशन कंपनी अपना हो चुका है ये इसके आगे बढ़ते हैं भाई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है ओके okay, सर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है चलो सो so, सर पी एफ आई पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बच्चे दो टाइप के होते हैं पे लॉ में ही भाई स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि तू 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 तू, तू और तू तू है पी एफ आई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो यू तो हमने लाख फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखे हैं बट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो सारे नहीं होते

कि भाई तुम्हें पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नोटिफाई तभी किया जाएगा जब तो तुम्हारे कम से कम 51 परसेंट ऑफ पेडर्स शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है या तो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है या तो सिंगली या ज्वाइंटली

सर फॉरेन कंपनी के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है और दोनों में होना चाहिए नंबर वन आपका इनकॉर्पोरेशन कहा है नंबर टू आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भैया नंबर वन आपका इनकॉर्पोरेशन कहा हुआ है नंबर टू आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहा है याद ना बच्चों फॉरेन कंपनी बनने के लिए आपका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए इंडिया के बाहर तभी तो फॉरेन है भाई आपका इंकॉर्पोरेशन होना चाहिए बच्चों इंडिया के बाहर और आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंडिया में तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन तो इंडिया के बाहर है बट प्लेस ऑफ बिजनेस इज़ इन इंडिया ऐसी कंपनी को बोलते हैं फॉरेन कंपनी बच्चों और इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्लेस ऑफ बिजनेस या तो बच्चों या तो बच्चों फिजिकली होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिकली भी हुआ तो चलेगा ज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आज कल रिसेंटली बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको वाला जाएगा कि एक बड़ी वाला क्वेश्चन है, आउन आउन शू एक है चलो, एक से मसाज लिमिटेड एंड बच्चो आपको बोला गया कि उसका इनकॉर्पोरेशन था में हुआ है आ, समझ रहा हूं मैं, मैं ध्यान दो भाई उसका इनकॉर्पोरेशन कहा हुआ है थाईलैंड में हुआ है बट वो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करती है अमेजोन के थ्रू इंडिया में तो बच्चों इंडिया के बाहर हुआ है डन प्लेस ऑफ़ बिजनेस बच्चों फिजिकली तो इंडिया में नहीं है बट वो इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में काम करता है तो ऐसे कैसे हम बोलेंगे कि मसाज लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी मसाज लिमिटेड बच्चों इज अ फॉरेन कंपनी ओके एवरीबॉडी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर होना चाहिए बट प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर होना चाहिए बच्चों पे होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए बाकी एक-एक डॉर्मेंट कंपनी उसे ही आप इनएक्टिव कंपनी बोलते हो कुछ नहीं ऐसी कंपनी जो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करती पड़ी हुई है चिल मार रही है लेटी पड़ी है भाई

छोड़ के और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए मतलब क्या भाई आरोपी आर ओसी को तो आपको फीस पे करना पड़ी सकता है कोई बड़ी बात नहीं है नंबर नंबर आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है ठीक है नंबर थ्री कई बार बच्चों शेयर्स अलॉट करने पड़ते हैं तो फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फॉर दिसल आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया था तो भाई कन्वर्टेबल डिबेंचर भाई आप खाली पड़े हो बट भाई अगर कन्वर्ट होने का टाइम आ गया गया है पने, पने गया है है तो 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 उसे होना पड़ेगा इनटू शेयर्स शेयर्स ठीक ठीक आपका पॉइंट ऑफ एंड लास्ट बच्चों मेंटेनेंस मेंटेनेंस अगर आप देखोगे तो इस पर भी मैंने क्या बोला भाई ऐसी कंपनी जो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करती सिग्निफिकेंट मतलब एनी से से भाई? भाई अगर तुमने फीस पे किया आर ओसी को है भाई कि तुमने ठीक है लॉ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ठीक है एनी अदर लॉ को फुलफिल करने के लिए अगर आपने किया है

बच्चों जो लोग मिलके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रमोटर्स तो प्रमोटर वो होते हैं जिन्हें आइडिया आया कि हमें जिन्हें आइडिया आया तो इनकॉपरेट कंपनी और जिन्होंने सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए लिएट ए कंपनी राइट आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में आ सकता हैं बच्चों और मुझे पता नहीं यार क्यों फाउंडेशन में देखता हूं मैं इंटर में देखता हूं मैं सी एस में देखता हूं यार बच्चे इसकी डेफिनेशन सेक्शन भूलते ही नहीं मुझे नहीं पता क्यों बच्चे हंसते रहते हैं मुझे ऐसा कभी समझा नहीं बच्चों प्रमोटर का डेफिनेशन है सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटी नाइन और उसके पीछे का लॉजिक क्या है मुझे नहीं पता कि बच्चे हमेशा डेफिनेशन याद रखते हैं इसकी किसी को पूछ लो सेक्शन ये क्या है प्राइवेट कंपनी सर याद नहीं है पब्लिक कंपनी याद नहीं प्रमोटर सेक्शन टू क्लॉज सिक्स

तो तो आपको याद हो चुका है बच्चों ठीक है निमोनिक क्या है याद अपना प्रमोटर और कंपनी के बीच में पैक्ट है है बच्चों पैक्ट निगे पी सी प्लस एक्ट इज इक्वल टू पैक्ट तो निमोनिकी आ गया ए आ गया सी आ गया और एक्ट आ गया ये पी आ गया ए आ गया सी आ गया और एक्ट आ गया पी से क्या है भाई पी से है भाई प्रोस्पेक्टस इसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है ओके एवरीबॉडी। ए से आ गया एनुअल रिटर्न जो आइडेंटिफाई किया हुआ है भाई रिटर्न में, ओके okay, भाई सी से, से है कंट्रोल जो कंट्रोल कर सकता है कंपनी के अफेयर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और लास्ट पॉइंट है बच्चों एक्ट जिसके इशारों पे जिसके इशारों पे फिर भी आपको मैं एक और पॉइंट बताता हूँ बच्चों दैट इज प्रमोटर्स आर नाइटर एजेंट ऑफ द कंपनी नॉट ट्रस्टी ऑफ द कंपनी क्यों बिकॉज एजेंट बनने के लिए प्रिंसिपल का होना जरूरी है और प्रमोटर कब आते है भाई तो बात है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है अभी तक तो वो कंपनी का एजेंट नहीं है नंबर टू क्या वो कंपनी कंपनी का ट्रस्टी है? ट्रस्टी है अरे भाई बनने के लिए ट्रस्ट तो क्रिएट होने चाहिए अभी तक ही इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है भैया तो काहे का ट्रस्ट और ट्रस्ट नहीं है तो भैया काहे का ट्रस्टी ऐसे क्लियर तो भैया ना तो प्रमोटर कंपनी का एजेंट है ना तो प्रमोटर कंपनी का ट्रस्टी है तो फिर क्वेश्चन ये आता है भाई फिर प्रमोटर और कंपनी के बीच में क्या रिलेशनशिप है

अगर बन्द, कोई बंदा बच्चों प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ही विल नॉट बी प्रमोटर ही नॉट प्रमोटर जैसे भाई तुम लोगों ने सीए को हायर किया या सीएस को हायर किया कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए तो भाई ये भी तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प कर रहा है बट ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प कर रहा है ये पॉइंट बच्चों अलग से लिख लेना मेंशन कर लेना इसपे क्वेश्चन आ सकता है आ चुका है कि अगर तुम प्रोफेशनल कैपेसिटी में भाई हेल्प कर रहे हो तो तुम प्रमोटर नहीं हो ओके okay! आप बोलते बच्चों कैसे हो सभी लोग हाल कैसा है जनाब का क्या ख्याल है आपका हम तो मचल गए आह आहो आह ही फिसल गए, आ, आ आ उडले उसे <laughs> okay. बच्चों मजा आ रहा है क्या क्या आपको समझना है अच्छे से हर पॉइंट अच्छे से आइडेंटिफाई हो रहे हैं हर, चीज, हर चीज, रहे है, अच्छे चीज अच्छे से कनेक्ट हो रही है अच्छी चीज अच्छे से रिवाइज हो रही है बच्चों अच्छे से वदिया, वदिया, सर वधिया वर विया तो ये प्रमोशन का कार्यक्रम अपना कंप्लीट हो चुका है बच्चों सेकंड स्टेज में लास्ट मूव कर रहे हैं बच्चों कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हम और आपके मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है वो है या नहीं है मुझे नहीं पता मुझे इतना पता है मैं आपको जो चीज बता रहा हूं मुझे ये नहीं पता आपके फाउंडेशन टीचर ने आपको बताया कि नहीं बट बच्चों ये लिखना ये सबसे अमेंडेड है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्टेप्स का ये सबसे अमेंडेड है बच्चों तो मुझे यह नहीं पता कि आप पुराना वाला लिखोगे तो मार्क मिलेंगे नहीं मिलेंगे बट किसी माइक के लाल की ताकत नहीं है कि बच्चों ये स्टेप्स में आपके मार्क काट दे बिकॉज दिस इज द मोस्ट amended। तो बच्चों मैं आपको कंपनी पढ़ा रहा हूं उसके बाद मैं जल्दी से भाग के जाता हूं और दौड़ के आता हूं वॉशरूम से ओके एवरीबॉडी कनक सर यूर टीचिंग स्टाइल रियली ऑसम थैंक यू सो मच कनक रियली अप्रिशिएट दैट पी बोलते हैं हाँ सर सब चीजें याद आ रही है क्या बात है परफेक्ट एवरीबॉडी सो बच्चे शुरू करते हैं आगे का अपना सेशन शुरू करते हैं आगे का अपना सेशन ना बच्चों बात कर रहे हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अभी ये सब छोड़ दो प्री रिक्वेड छोड़ दो अपने काम का नहीं है आते भाई मुद्दे के बाद पे। अगर एग्जाम में में क्वेश्चन आएगा कि आर स्टेप्स कंपनी? आपको दो स्टेप स्टेप लिखनी है।, है फर्स्ट क्या, क्या बोला सर आपने सबसे पहले भाई नाम कंफर्म करना पड़ेगा एंड नंबर टू कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा सिंपल नाम करने कंफर्म करने क्या करना पड़ेगा देखो बच्चों नाम रिजर्व करने के लिए एम के वेबसाइट पे जाके आपको स्पाइस प्लस फॉर्म का पार्ट ए भरना पड़ेगा तो भाई अब कंपनी के नाम को करने के लिए और कंपनी को रजिस्टर करने के लिए बच्चों एक नया फॉर्म आया है जिसका नाम है स्पाइस प्लस स्पाइस का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको नेक्स्ट साइड में ने बताऊंगा ओके बट नाम है बच्चों स्पाइस प्लस ओके परफेक्टोस परफेक्टोस ठीक है तो स्पाइस प्लस के बच्चों दो फॉर्म है एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी पार्ट ए फॉर्म जो है वो नाम कंफर्म करने के लिए है और जो है और पार्ट बी फॉर्म जो बच्चों वो कंपनी को रजिस्टर करने के लिए स्पाइस प्लस पार्ट ए स्पाइस प्लस पार्ट बी स्पाइस प्लस पार्ट ए नाम के लिए स्पाइस प्लस पार्ट बी कंपनी रजिस्टर करने के लिए इसके अंदर बच्चों आपको दो प्रपोज नाम देने पड़ेंगे विथ प्रिस्क्राइब फीस जो जो नाम अवेलेबल है वो अवेलेबल होगा बच्चों टिल ट्वेंटी डेज आई रिपीट बच्चों जो भी नाम रिजर्व होगा वो रिजर्व सिर्फ ट्वेंटी डेज के अंदर तक होगा तो भाई वो बीस दिन के अंदर क्या करना है वो बीस दिन के अंदर भाई कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म भर देना वरना फिर से नाम कंफर्म करना पड़ेगा ओ यस एवरीबॉडी एवरीबॉडी अगर सर कंपनी को इनको करने के दो स्टेप हैं फर्स्ट स्टेप के पास में प्लस पार्ट देना पड़ेगा। विद दो जो भी नाम अवेलेबल है प्रिस्क्राइब फीस तो पे करनी पड़ेगी जो भी नाम अवेलेबल है बच्चे वो रिजर्व रहेगा आपके लिए ट्वेंटी डेज वो ट्वेंटी डेज के अंदर आपको कंपनी को रजिस्टर करने के लिए स्पाइस प्लस पार्ट बी जमा करना है सिंपल सर मतलब इसके पहले जो रिजर्व यूनिक नेम स्कीम थी रन स्कीम वो टोटली हट गई नहीं बच्चों रुको टोटली नहीं हटी है अभी भी जो ओल्ड कंपनी से अगर उन्हें अपना नाम चेंज करना है अरे पेट बच्चों जो ओल्ड कंपनी से अगर उन्हें अपना नाम चेंज करना है तो अभी भी रन स्कीम यूज करते हैं लेकिन नए कंपनी को नाम लेना है तो स्पाइस प्लस पार्ट ए से ही लेना पड़ेगा ओके सर नाम कंफर्म कर लिया अब क्या भाई अब भाई कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा अब बच्चों ये आपको याद करनी पड़ेंगे जो नाम लिया था वो रिजर्व था ट्वेंटी डेज के लिए वो बीस दिन के अंदर आपको क्या करना है सबमिट करना है भाई पाइट पार्ट बी ऑफ स्पाइस प्लस फोन नंबर कौन सा बच्चों फोन नंबर है आई एन सी थर्टी टू और इसके ही साथ साथ इसके ही साथ साथ बच्चों आपको कुछ ठीक हो तो ये आई आईएनसी टू फॉर्म है बच्चों ये फॉर्म क्या है ना सिर्फ ये एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन के लिए बल्कि इसमें प्रोफेशनल्स की भी डिक्लेरेशन आप दे सकते हो इसमें आप सब्सक्राइबर्स की भी डिटेल्स दे सकते हो इसमें आप रजिस्टर ऑफिस की भी डिटेल्स दे सकते हो बच्चों और यहाँ पे अगर किसी डायरेक्टर के पास नंबर नहीं है, अगर बनना है आपको, तो आपके पास दिन होना चाहिए। होना चाहिए किसी भी का। अगर आपको दिन नंबर तो आप नहीं है तो आपको अप्लाई करना पड़ता है अप्लाई करने के लिए अलग से भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर सीधा सीधा कंपनी इंकॉर्परेट करते समय ही आप दिन नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इसमें डिक्लेरेशन पर प्रोफेशनल कार्ड देना

आपको सबमिट करना पड़ता है आई एनसी थर्टी टू पार्ट बी विच इंक्लूड जिसके अंदर ही है भाई एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार ओके एवरीबॉडी नाउ इसके साथ में आपको अटैच करने पड़ेंगे कुछ और फॉर्म्स तो थर्टी टू के साथ में आपको थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव सबसे पहले थर्टी थ्री क्या है ई एमओ ए इलेक्ट्रॉनिक एमओ एलेक्ट्रॉनिकलीओ ए Five क्या है भाई Agile Pro. नहीं बचा बच्चों हो गया यानी इसी के 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 साथ में आप के नंबर के लिए EPF के के लिए EIC, मतलब के के लिए मतलब इंश्योरेंस बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए और प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई करे तो मतलब एक साथ एक फॉर्म आई एनजी थर्टी फाइव फॉर्म के साथ में बच्चों यू रजिस्टर विद अप्लाई फॉर फाइव थिंग्स जीएसटी ईएसआईसी ईपीएफओ बैंक अकाउंट के ओपनिंग के लिए और बच्चों प्रोफेशनल टैक्स के लिए इसके साथ में दो चीजें लगेंगी आपको आई एन एट लगेगा डिक्लेरेशन ऑफ प्रोफेशन बच्चों हर जगह आई एन एट में प्रोफेशनल डिक्लेयर करते हैं कि भाई इन लोगों ने कंपनी इनकॉपरेट करने के लिए कोई लॉ का वॉलेशन नहीं किया है एंड लास्ट है आई एन द डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर कि पिछले पांच साल में भाई वो कन्विक्ट नहीं हुए फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड मतलब जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स है यू शुड नॉट बी कन्स फॉर एनी मैटर्स इन्वॉल्विंग फ्रॉड ठीक है एंड लास्ट पॉइंट बच्चों क्या है अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स विद आर ओसी खत्म अपलोड विध आर ओसी खत्म बच्चों देखो फिर से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं फिर से रिवाइज कर रहा बच्चों आप लोगों के साथ में वट आर सेप्स टू इनकॉर्पोरेट कंपनी तो है नंबर वन आपको क्या करना पड़ेगा नेम कन्फर्म करना पड़ेगा नंबर टू आपको कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा नेम कंफर्म करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म लेना पड़ेगा बच्चों स्पाइस प्लस पार्ट ए कितने नाम दो प्रपोज नाम कितने नाम भाई दो प्रपोज नाम ठीक है और और जो भी नाम अवेलेबल है वो रिजर्व हो जाएगा भाई ट्वेंटी डेज के लिए ओके भाई जो भी नाम अवेलेबल है वो वो रिजर्व हो जाएगा बच्चे डेज के लिए अंदर कंपनी करो रेसा करो क्या आई एन सी थर्टी टू यानी स्पाइस प्लस पार्ट बी इसी के अंदर क्या क्या है लिख देना भाई यही एप्लीकेशन भी है इसी के अंदर रजिस्टर ऑफिस का भी आपको एड्रेस देना पड़ता है इसी के अंदर आप पिन नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इसके साथ में भाई आपको अटैच करना पड़ता है कौन-कौन से फॉर्म आईएनसी 33 34 35 8 और 9 और अपलोड कर दो चक दे नब दे गिल्ली क्या ये क्वेश्चन सबको समझा बच्चों अच्छे से जल्दी से मुझे बताना थैंक यू सो मच अदिति गॉड ब्लेस यू प्रीत कितनी गंदी गंदी बातें करो कर चैट में तो बच्चों एग्जाम में अगर आएगा स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं ये पॉइंट याद रखना है आपको सबको और अगर कुछ सही रहता है चकदे फट्टे होता है तो आर बच्चा आपको इश्यू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर आई एनसी इलेवन सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्परेशन मिला बच्चों हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है क्या हम नाचेंगे नाचो नाचो वन और वन इज आई एन सी इलेवन और शनिका पीयूष राइटिंग की जरूरत नहीं है मैंने पॉइंट बोल दिया है ऑलरेडी

इम्पॉइंट है बच्चों ये वाला पॉइंट पॉइंट क्या बोलता है भाई ये पॉइंट बोलता है व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन यानी अगर आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने समय कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन दी तो भाई उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है राइट ये उसकी बात कर रहा है बच्चों तो या दो पॉइंट है वन इज अगेंस्ट पर्सन वन इज अगेंस्ट कंपनी अगेंस्ट पर्सन क्या कॉन्सिक्वेंसेस है बच्चों एंड नंबर टू अगेंस्ट कंपनी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है तो अगर बात करूं बच्चों अगेंस्ट पर्सन क्या कॉन्सिक्वेंसेस है तो नंबर वन ठीक है प्रमोटर्स फर्स्ट डायरेक्टर्स प्रोफेशन लोगों ने साइन किया था

ये भी हमारा हो गया अच्छे से यस yes, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट की और अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट कांसेप्ट की और एक हम पढ़ेंगे एमओए एक हम पढ़ेंगे एओए एमओए पढ़ेंगे एओए पढ़ेंगे और फिर डॉकट्रिंस पढ़ेंगे और खत्म करेंगे सिंपल mm, एमए पढ़ेंगे एए पढ़ेंगे इससे बच्चों में ये अपने रिवीजन में वो नहीं कवर करने वाला टाइप्स ऑफ कैपिटल फैपिटल वो वो उनको पता है भाई पेडअप कैपिटल क्या होता है वो नहीं पढ़ा रहा तो शुरू करते बच्चों पांच मिनट की बात है कोई बहुत बड़ी बात नहीं सबसे है सबसे जबरदस्त वाहियात डेफिनेशन है बच्चों एमओए की क्या okay, बोलता है एमओए इज एमओएमओ एमओ आईदर ओरिजिनली फ्रेम और ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब जब बच्चों कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते समय जब जो मनाता है एमओए वो भी एमओ एंड जो ऑल्टर हो रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो भी भाई एमओ कोई काम का नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि एमओए का ऑब्जेक्टिव इज टू फोल्ड वन अगेंस्ट आउटसाइडर्स एंड वन अगेंस्ट इन्वेस्टर्स एमओए बच्चों टू फोल्ड वन वन इनवेस्टर इन्वेस्टर एमओए में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉस है भाई आपका ऑब्जेक्ट बिकॉज ये वो डिफाइन करता है कि कंपनी कौन सा बिजनेस कर सकती है और कौन सा बिजनेस नहीं कर सकती याद रखना बच्चों वही ऑब्जेक्ट जो आपके ऑब्जेक्ट लॉस में लिखा है आप वही बिजनेस कर सकते हो अगर आपने वही बिजनेस किया तो देन इट विल बी वैलिड

याद रखना हमारी कंपनी वही ऑब्जेक्ट कर सकती है जो हमारे ऑब्जेक्ट में लिखा है तो अगर हमने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जो हमारे ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ नहीं है तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया तुम्हारा पैसा इस यूटिलाइज होगा ओके परफेक्ट तो डील्स विथ आउटसाइडर्स एंड बच्चो डील्स इन साइडर्स यानी घर वाले अब बाकी आप सबको बताया भाई एमओए में क्या होता है कुछ क्लॉजेस होते हैं नंबर नेम क्लॉज कंपनी का नाम लिखा जाता है नंबर टू सिचुएशन क्लॉज मतलब हमारी कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है बच्चों यहां पे सिर्फ स्टेट का नाम लिखा जाता है फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा जाता है कंपनी कौन कौन से बिजनेस कर रही है लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा जाता है मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है लिमिटेड है अनलिमिटेड है लिमिटेड बाय शेयर है लिमिटेड बाय गारंटी है एंड ऑल कैपिटल क्लॉज में लिखा जाता है बच्चों कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है जो सब्सक्राइबर्स है जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब कंपनी इनकॉर्परेट होंगी हम इतने इतने शेयर खरीदेंगे वो लिखा होता है एंड नॉमिनी क्लॉस बच्चों देखो नॉर्मल कंपनी क्लॉस होते हैं कंपनी में क्योंकि हमें देखा था बच्चों नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी है तो यहां पे कितने होंगे यहां पे होंगे सात ओके okay, बाकी फॉर्मेट दिए हुए हैं आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है कंपनी फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें टेबल ए बी सी डीजे टेबल एफ जी एच आई जे फॉर ए

MOA is MOA, one outsider, one को बता रहा भाई, देखो मेरे ऑब्जेक्ट कॉस्ट में क्या लिखा है मैं वही बिजनेस कर सकता हूं जो मेरे ऑब्जेक्ट कॉस्ट में लिखा हुआ है तो अगर आपने मेरे साथ ऐसा कोई कॉन्टेक्ट किया है जो मेरे ऑब्जेक्ट कॉस्ट में लिखा हुआ नहीं है तो भाई आई विल नॉट बिल इनवेस्टर को बोलना भाई अगर तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे पैसा इस पर्पज के लिए यूटिलाइज होगा ओके एवरी वन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों आते हैं आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन दोनों में फर्क क्या है कुछ नहीं एमओ ए मीन्स एमओ एओए मीन्स ओरिजिनली फ्रेम और ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम सर जैसे एमओए का ऑब्जेक्टिव बाहर वालों लिए था बच्चों एओए का ऑब्जेक्टिव घर वालों के लिए घर वाले मतलब कौन कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर्स सो एओए बेसिकली डील्स विद इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी भाई ऑब्जेक्ट क्लॉस दिया हुआ है एमओए में मतलब कंपनी को अल्टीमेटली करना क्या है जो एमओए में दिया हुआ है बट वो करने के लिए आपको शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे मीटिंग्स लेने पड़ेंगे सब कुछ करने पड़ेंगे भाई वो सारे रूल्स कहाँ पे दिए हैं वो सारे रूल्स दिए है बाकी हर चीज जो है टीचिंग करना होगा एमओए में और टीचिंग करने के लिए जो भी मुझे मीटिंग लेनी है शेयर इशू करने है पैसा रेस करना है एम्प्लॉय अपॉइंट करना है ये सब कुछ कहा पाएंगे बच्चों एपो याद होगा कंपनी शेड्यूल वन में फॉर्मेट दिए हुए थे टेबल ए बी सी डी ई एमओए के लिए था टेबल एफ जी एच आई जे किसके लिए है बच्चों एओए के लिए सेम लाइक एमओए इवन एओए शुड बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स कॉन्सिक्यूटिवली नंबर एंड साइंड बाय रिक्वायर्ड सब्सक्राइबर्स बाकी एमओए में ऐसा कुछ खास नहीं है बच्चों खास है अगर एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन तब लिख लो लिख लो मैंने लिखा है कि दिया है क्या नहीं दिया तो एक पॉइंट बच्चों आप लिख लो ठीक है एक पॉइंट लिख लो डिस्टिंग्विश बिटवीन एमओ ए एन ए डिस्टिंग बिटवीन एमओ एंड ए इसको याद करेंगे बच्चों निमोनिक भी निमोनिक है नासूर एन एस यू आर सर नासूर क्या होता है बच्चों, नासुर बेसिकली एक उर्दू वर्ड है नासूर बेसिकली एक उर्दू वर्ड है ऐसा बोलते ना हमारे जख्म नासूर हो गए सर जख्म नासूर हो गए मतलब क्या मतलब जख्म ऐसे है कि भाई हील भी नहीं हो रहे ठीक भी नहीं हो रहे और बार 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 याद भी आती है इसे होता है बच्चा आपका पहला प्यार ठीक है पहला प्यार क्या है आपके दिल पे आपके जीवन पे आपके जख्म नासूर हो गए क्यों भाई पहला प्यार आदमी कभी भूलता नहीं है तो भाई हील भी नहीं हो रहा एंड बार 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 याद भी आती है जख्म क्या हो गए नासुर हो गए प्यार क्या हो गया नासुर हो गया ओके ये सब फालतू की बात है मुद्दे की बात क्या है भाई ठीक है ये है AOA, ये है एमओए और ये है बेसिस बेसिस में एनस का मतलब है बच्चों नेचर जब बिग डिस्टिंग्विश बिटवीन में नेचर आएगा नेचर में आप लिखोगे इसका मीनिंग भैया वो घटिया मिन तो हम लिख नहीं सकते एमओ एस एमओएस एओ ए बहुत घटिया हो होगा बोलता भाई एमओए क्या एमओए इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट रुको कलर चेंज करता हूँ एमओए इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एमओ ए में इतने बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जिसके स्ट्रेंथ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अ बेसिक डॉक्यूमेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड क्या है भाई रेगुलेशन ए कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी

डिफी कल्ट है और एओए को ऑल्टर करना कंपैरेटिवली इजी भाई ऑल्टर कैसे करते हैं बच्चों आप पढ़ोगे सीए इंटर के अंदर एनएसए स्कोप एमओ ए क्या करता है भाई एमओ डिफाइन करता है ये डिफाइन करता है कंपनी का स्कोप क्या है भाई डिफाइन करता है कंपनी का स्कोप क्या है और AOA डिफाइन करता है रूल्स एंड रेगुलेशन इट डिफाइंस रूल्स टू अचीव स्कोप ऑफ एमओ भाई कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती स्कोप डिफाइन करता है भाई ये स्कोप डिफाइन करता है कौन एमओ

लास्ट पॉइंट है बच्चों नासूर का आर आर से है रूल्स फॉलो ये किसको फॉलो करते हैं भाई तो एमओए फॉलो करता है बच्चों कंपनीज एक्ट को एओ फॉलो करता है बच्चों एमओए को भी फॉलो करता है और कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करता है

ओके एनी बडी लिख लिया आपने सभी ने लिख लिया क्या बच्चों जल्दी जल्दी बताओ और हम आगे बढ़ते हैं अब सर आपके कंपनी सैक में क्या है अब आपके कंपनी सैक में सर एक तो है शेयर्स टाइप्स ऑफ शेयर्स ऑथराइज शेयर क्या होते हैं नॉमिनल शेयर्स क्या होते हैं

ठीक फिर भी मैं आपको बता देता हूं तो एक बार फिर मैं आपको बताया हूं तो एंटेचमेंट क्लॉस क्या है गलती से पूछ लिया तो भाई बोलोगे कुणाल सर ने पढ़ाया नहीं ठीक है तो एंटेचमेंट क्लॉस क्या है तो मैं आपको आराम से तो आपके सिलेबस मोस्टली नहीं है चलो सर बताता बताते क्या होता है सी नॉर्मली आपने एओ में क्या लिखा बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे अब कोई भी रूल से क्वेश्चन चेंज करना है तो एओए को आपको अल्टर करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी रूल से क्वेश्चन चेंज करना है बच्चों तो एओए को क्या करना पड़ेगा अल्टर करना पड़ेगा नाउ एओए को अल्टर करने के लिए नॉर्मली हमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है यानी मेंबर्स से 75% लोगों से कंसेंट लेना पड़ता है बट एंट्रेचमेंट क्लॉज मतलब क्या होता है

अगर आप 70 परसेंट से ज्यादा का प्रोविजन डाल रहे हो अल्टर करने के लिए मतलब बच्चों आप क्या ला रहे हो एंट्रेंस ला रहे हो बस इतना ही आप काम का है जैसे सर ये पॉइंट्स तो एक्सप्लेन करके लिखना है या ये ऐसा ही हेडिंग लिखना है दर्शन जितने पॉइंट मैंने लिखा है आपको उसको उसको कंपेयर करते हुए लिखना है बस शॉर्ट एंड स्वीट रखना है बस ओके एवरीबॉडी बाकी यहाँ पे काम करना है मूव करते हैं सभी लोग

फॉर इन नॉलेज में आपको बता दू की अन अकेडमी में आप कितने पढ़ा है उनसे सी ए फाउंडेशन के आपके कुछ एजुकेटर्स है जो मेरे, मुझसे पढ़ चुके हैं यस तीन चार फेमस इवन लॉ के भी आई एम रियली प्राउड ऑफ देम बिकॉज दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल इवन बेटर बट ग्यारह साल का टीचिंग एक्सपीरियंस में बच्चों राइट बट आई एम रियली हैप्पी फॉर ऑफ दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल बिलीव मी आई एम रियली प्राउड ऑफ देम चलो परफेक्ट सो मूविंग फॉरवर्ड टू डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बच्चों अल्ट्रा मतलब क्या बियॉन्ड वायरस मतलब क्या पावर्स यानी आपने ऐसी कोई भी एक्ट की जो पावर्स के बियॉन्ड है अब भाई कंपनी को पावर्स किसने दिए नंबर वन एमओए ने दिया तो एमओए की अल्ट्रा वायरस एक्ट मतलब क्या बच्चों एमओए की अल्ट्रा वायरस एक्ट मतलब क्या एमओए में बच्चों सीधा आर ऑब्जेक्ट लॉस यानी आपने ऐसा कोई कॉन्टेक्ट किया है जो आपका ऑब्जेक्ट लॉस अलाउ नहीं कर रहा बेस्ट एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्ट लॉस में लिखा है कि आप स्टील बिजनेस कर सकते हो एंड आपने प्लास्टिक सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया एंड आपने बच्चों प्लास्टिक सप्लाई करने का किया इज इट इज अल्ट्रावाइज एक्ट धन एमओ की अल्ट्रावाइस एक्ट को बोलते हैं एक्ट ऑफ द कंपनी एज वेल इसी दी अल्ट्रावास एक्ट को भी बोलते हैं बच्चों अल्ट्रावास एक्ट ऑफ द कंपनी एज वेल ठीक है well. मुद्दा क्या है

तो क्या पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट सही हो जाएगा क्या पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट सही हो जाएगा रेटिफिकेशन no. नहीं किया है। मतलब पुरानी की हुई गलत एक्ट को कुछ भी करके आप सही नहीं कर सकते वो है, मतलब वो है इतना आपने काम का है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है कंपनी ने प्लास्टिक बिजनेस से कॉन्ट्रेक्ट किया क्या होगा कंपनी बच्चों फार्मेसी का बिजनेस कर रही थी कंपनी ने मोबाइल और टैबलेट सप्लाई करने का लिखा हुआ था कि वो मैंगो सप्लाई करते सुनना मेरे क्वेश्चन को कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ था कि वो मैंगो सप्लाई कर, कर सकती है और इन लोगों ने पार्टनरशिप करके मैंगो सप्लाई किया वर्ल्डो सर लेकिन ऑब्जेक्ट तो सेम ही है वॉइड एम्निशो क्योंकि आपने ये मेंशन नहीं किया था ऑब्जेक्ट कॉस्ट में कि आप वो मैंगो खुद से भी सप्लाई कर सकते हो पार्टनरशिप में लेके या जेवी जॉइंट वेंचर में रह के भी सप्लाई कर सकते हो बाप रे सर यही वाले बच्चो और एक बढ़िया क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन अच्छा था कि कंपनी का मेन काम के है केमिकल सप्लाई करना और कंपनी ने साइंटिफिक रिसर्च के लिए बीस लाख रुपए खर्च किए ये क्या है वैलिड है क्यों भाई कंपनी साइंटिफिक रिसर्च करवा रही है।, कोई करने के लिए आपको जो करना है आप कर सकते हो ऑब्जेक्ट नया नहीं यूज कर, कर सकते इट वॉज वैलिड ओके बच्चो तो अल्ट्रा एक्ट ऑफ एमओ देना को चेंज करके बाद में भाई आप उसे राइटिफाइड नहीं कर सकते बच्चों एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपको समझ से पढ़ाता आपको मैं. तो आ, हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स अलाउ नहीं किए थे और बच्चों कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए एक टाइप के शेयर्स होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स जो आपके डायरेक्टर्स या इंप्लॉइज को देते हो ठीक है उसे बोलते हैं बच्चों स्वेट इक्विटी शेयर्स

और जैसे उन्होंने लिख दिया बच्चों वो जो पुराना किया हुआ गलत एक्ट था वो राइटिफाई हो जाएगा वो सही हो जाएगा, और वो का हो जाएगा। नहीं करेगा मतलब अल्टीमेटली शेयर होल्डर के ऑप्शन पे आ गया ना इट इज वॉइडेबल एट शेयर होल्डर्स अगर शेयर होल्डर्स कोई को ऑल्टर कर देगा उसे इंक्लूड कर देगा अगर रेटिफाई नहीं करना है तो इंक्लूड नहीं करेगा सिंपल ओके लास्ट पॉइंट है बच्चों अल्ट्राइस एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब आपने ऐसी कोई एक्ट की जो डायरेक्टर्स की भी पावर में नहीं थी एक सेकंड बच्चों डायरेक्टर्स के पावर कहां पे लिखे होते हैं आई रिपीट डायरेक्टर्स के पावर कहां पे लिखे होते हैं भाई के पावर भी बच्चों आर्टिकल्स में ही लिखे होते हैं तो अल्ट्रावाइस एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स में भी क्या होगा वही होगा भाई वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर्स and it can be ratified by shareholders by altering AOM. तो अगर एग्जाम में थ्री क्वेश्चन आता है तो आपको बस इतना 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 लिखना है अब पैक्टल क्वेश्चन आता है तो आपको पता है क्या करना है वो मैं क्वेश्चन डिलीट कर चुका हूँ आपके साथ में ओके एवरीवन परफेक्ट चलो अब दो ऑप्शन बची है खत्म कंपनी साइड पंद्रह मिनट का और सिलेबस है बीस मिनट खत्म चक दे फट्टे फिर हम लंच ब्रेक पे जाएंगे आराम से ये अब बच्चो नेक्स्ट दो डॉक्टर देख रहे हैं, हम डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आई रिपीट एवरीबॉडी ठीक है ये डॉक्टर पे थे क्वेश्चन भी आ सकता है सीधा सीधा एक्सप्लेन करने के लिए या बच्चों इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो हम जितने भी केस लॉस पढ़ेंगे उसी पे क्वेश्चन आएगा नाम चेंज करके मैं ये बता दू आपको हम जितने भी केस लॉस पढ़ेंगे बच्चों उसी पे क्वेश्चन आएगा नाम चेंज करके मैं आपको ये भी बता देता हूं ओके okay? जैसे बच्चों फर्स्ट केस हम देख रहे हैं कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सी रामा मूर्ति फर्स्ट केस हम देख रहे हैं बच्चों कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सी रामा मूर्ति इस केस में क्या हुआ था देखना बच्चों कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि कंपनी जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी तो तीन लोगों ने साइन करना चाहिए मैनेजिंग डायरेक्टर सेक्रेटरी और होल टाइम डायरेक्टर ये कंपनी का एड्रेस में लिखा बच्चों कंपनी जब भी कोई कॉन्टैक्ट करेंगे तीन लोगों ने साइन करना चाहिए मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ओके एवरीबॉडी ठीक है एंड सेक्रेटरी इस केस में क्या होगा कंपनी ने बच्चों एक मॉर्गेज डीड साइन किया यानी कुछ गिरवी रखा कोई लैंड प्रॉपर्टी को और यहां पे बच्चों सिर्फ सेक्रेटरी ने साइन किया और होल टाइम डायरेक्टर ने साइन किया मतलब किसकी साइन मिसिंग थी मैनेजिंग डायरेक्टर की साइन मिसिंग थी और सामने वाले ने चेक भी नहीं किया कि आर्टिकल्स में क्या लिखा होता उसने ले लिया उसने ले लिया बच्चों जब पैसा पे करने की बारी आई तो कंपनी ने बोला हम तो पैसा पे नहीं कर रहे सामने बोला कोई गल नहीं तो पैसा पे नहीं कर रहा तेरी प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रखी हुई है वो प्रॉपर्टी मैं बेच दूंगा कंपनी बोला तो वो बेच ही नहीं सकता बोले क्यों बिकॉज जो गिरवी रखने वाला डीड है मॉडगेज डीड वो तो इनवैलिड है तो इनवैलिड क्यों है क्योंकि देख हमारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तीन लोगों ने साइन करना चाहिए जबकि इस केस में तो सिर्फ दो ही लोगों ने साइन किया ये बच्चों उसने बोला आर्टिकल्स तुम्हारा तुमने फॉलो करना चाहिए हमने बोला भाई तू आर्टिकल्स पढ़ के क्यों नहीं आया दोनों में हो गया बच्चों डिस्प्यूट हो गया झगड़ा दोनों में बच्चों डिस्प्यूट दोनों में हो गया झगड़ा क्या लगता है बच्चों क्वेश्चन है कि क्या ये मॉडगेज डीड वाला कॉन्ट्रैक्ट हम पे एनफोर्सेबल होगा कि नहीं होगा ये वाला बच्चों का डॉक्यूमेंट हम पे एनफोर्स होगा कि नहीं होगा क्या लगता है आप लोग को बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है इंप्लाइड केसेस याद रखना क्या हुआ था केसेस में सभी को बता रहा हूं मैं कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बच्चों इंप्लाइड ये क्या बोलता है भाई एमओ एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है ठीक तो है कोई भी आउटसाइडर एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस देके के एओए कंपनी से भी ले सकता है आईओसी से भी ले सकता है तो भाई हम तो ये मानते हैं इट इज प्रिज्यूम हम तो यह मानते हैं कि भाई जो भी पर्सन कंपनी से डील कर रहा है उसने एमओ ए पढ़ा होगा अरे फिर बच्चों हम तो यह मानते हैं क्या बोलते हैं हम तो यह मानते हैं कि जो भी पर्सन कंपनी से डील कर रहा है उसने एमओ ए पढ़ा होगा अगर उसने नहीं पढ़ा तो वो पर्सन फॉल्ट है कंपनी की गलती नहीं है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे एनफोर्सेबल नहीं हो अरे अरेबिन बच्चों ठीक है वो क्या बोलता है एमओ एस ए पब्लिक डॉक्यूमेंट एनी आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी कैन कैन टेक एमओ एट अ वेरी रिजनेबल कॉस्ट सो वी प्रिज्यूम हम तो ये मानते हैं कि आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी हैज रेड एमओ एंड एओ इफ ही हैज नॉट ठीक है ही इज एट फॉल्ट कंपनी गलती नहीं है एंड सच कॉन्टैक्ट विल नॉट बी एनफोर्सेबल ऑन द कंपनी तो आप देखोगे बच्चों इस डॉक्टर ने क्या बोला ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वाला का. क्या तूने पढ़ा नहीं भाई तू तु पढ़ता तुझे मालूम पड़ जाता कि तीन लोगों ने तो बोलाट्स तो इन फेवर ऑफ कंपनी एंड इट प्रोटेक्ट कॉन किस प्रोटेक्ट करता है, है फ्रॉम आउटसाइडर्स केस का नाम याद रखना कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस रामा मूर्ति तो ये पॉइंट समझ गया ये केस समझ गया और याद रखना बच्चों कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी पे इन्फोर्सेबल नहीं कराता कंक्लूजन कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी पे इन्फोर्सेबल नहीं कराता क्या सभी स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझा अच्छे से केस समझा अच्छे से बच्चों बस समझा कि नहीं समझा कोई डाउट तो नहीं किसी को थक गए बच्चो ओके लास्ट डॉक्ट्रिन फॉर द डे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सिंपल बच्चों वो डॉक्ट्रिन समझने के लिए आप लोग को ये केस समझना पड़ेगा केस का नाम है आरबीबी वर्सेस तर्कवेन इसी को बच्चों बोलते हैं रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्कवेन केस का नाम याद रखना केस में क्या हुआ था याद रखना इस पर आज तक दस पंद्रह बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ चुका है बच्चों तो सभी लोग इस केस में क्या हुआ था सभी लोग इस केस में क्या हुआ था इस केस में बच्चों कंपनी के शॉर्ट में लिखा था आपको, आपको इस केस में क्या हुआ था बच्चों इस केस में कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि जब भी कंपनी जब भी कंपनी बोरोइंग करेंगे उधारी लेंगे उन्हें शेयर होल्डर्स से कंसेंट लेना पड़ेगा जब भी कंपनी बोरोइंग करेंगी या इतने अमाउंट के ऊपर बोरोइंग करेंगी उन्हें शेयर होल्डर से कंसेंट लेना पड़ेगा बच्चों कंपनी ने क्या किया टर्कवेंट से कुछ बोरो किया बट टर्कवेंट से बोरो किया बच्चों बट कोई कंसेंट नहीं लिया कंपनी ने बच्चों टर्कवेंट से बोरो किया और कोई कंसेंट नहीं लिया जब पे करने के बारे में लोन तो कंपनी बोली हम पे तो लोन अपलीकेबल ही नहीं है तब तो बोला क्यों भाई बोला तुम देखो हमारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि शेयर होल्डर से कंसेंट लेना चाहिए हमें तो शेयर होल्डर से कंसेंट लिया ही नहीं तुमने एमओ पढ़ना चाहिए था तुमने पढ़ा नहीं हमारी गलती नहीं है तो बोला रुको एक से रुको कहा जा रहे हो रुको रुको मैंने आर्टिकल्स पढ़ा था मैंने पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था कि शेयर होल्डर से कंसेंट लेना चाहिए बट मुझे आर्टिकल्स पढ़ के कैसे मालूम पड़ेगा भाई कि शेयर होल्डर से कंसेंट लिया है कि नहीं लिया है आप बताओ बच्चों उसे आर्टिकल्स कैसे मालूम पड़ेगा शेयर होल्डर से कंसेंट लिया है कि नहीं लिया है ये तो भाई गलती कंपनी की इंटरनल बात है ये तो भाई कंपनी का इंटरनल इेगुलरिटी है ये कंपनी की इंटरनल गलती है भाई जो एमओ ए पढ़ के मालूम कर ही नहीं सकते पॉइंट पे आया बच्चों डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डॉक्टर ने एमओ ए पढ़ना चाहिए बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्रेस मतलब खुद से मालूम करना कि भाई हुए है कि नहीं, नहीं हुए जैसे यहाँ पे शेयर होल्डर से कंसर्न देना था इंटरनल रूल्स फॉलो हुए कि नहीं हुए वो मालूम करने के लिए बच्चों तो अगर इंटरनल इश्यू था जो एमओ पढ़ के पालूम नहीं पड़ता बच्चों फिर गलती कंपनी की है फिर गलती बच्चों कंपनी की है एंड सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी एनफोर्सेबल देखो बच्चों कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हमने बोला कि वो नॉट एनफोर्सेबल होगा कंपनी में बाइंडिंग नहीं होगा और इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे एनफोर्सेबल हो गए तो अगर इंटरनल एव की इश्यू है जो कंपनी की गलती है भाई तो ये बाहर वाले की गलती नहीं है यहाँ पर कंपनी इज एट फॉल्ट एंड सच कॉन्टैक्ट विल बी एनफोर्सेबल ऑन द कंपनी उल्टा हो गया बच्चों एग्जैक्टली उल्टा हो गया इसलिए हम बोलते हैं दिस डॉक्टर इज एक्सेप्शन टू डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और ये कंपनी को एनफोर्सेबल यानी लाइबल करवाता है

तो अगर बच्चों आपने बेस पकड़ा होगा तो आगे बढ़ने के पहले फंडा समझो कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से क्या होता है क्या कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल होता है द आंसर इज नहीं नॉट नॉट जहां होगा इंडोर मैनेजमेंट में क्या होगा भाई इंडोर मैनेजमेंट पे भाई जहां पे अप्लीकेबल होगा वहां एनफोर्सेबल होगा कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट तो इंडोर मैनेजमेंट बच्चों कॉन्ट्रेक्ट एनफोर्सिबल है तो इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन में क्या होगा वहां तो तो नहीं होगा याने enforceable का exception क्या है बच्चों not enforceable. ये तो इसके समान हो गया ना जब-जब हम मैनेजमेंट का एक्सेप्शन देखेंगे बच्चों उस केस पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस ही अप्लाई करेगा कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल नहीं होगा सिर्फ तीन केस देखने बच्चों तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है मैं फिर से बोल रहा हूँ भर भर कहा इंडोर मैनेजमेंट से प्रोडक्शन नहीं मिलेगा कहा कंपनी पे वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी केस का नाम है हावर ये केस का नाम याद रखने फिर से बोल रहा हूं वर्सेस एंड आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे बच्चों एक्जैक्टली सिमिलर टू रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेज टर्कवैंड जहां कंपनी को लोन देने के लिए शेयर से परमिशन लेनी थी बस शेयर से परमिशन नहीं ली हमने बोला भाई कंपनी की गलती है कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे एनफोर्सेबल होगा यहां उल्टा पता है क्या हुआ यहां बच्चों डायरेक्टर ने खुद ने ही लोन दिया था हावर तो बाहर वाला था हावर बोरा सॉरी तो बाहर वाला था डायरेक्टर ने खुद ने लोन दे दिया ठीक है देखो हुआ क्या? Resolution for borrowing मतलब बोला के ऊपर करना है तो आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पड़ेगा मतलब से पूछना लेकिन कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ यहां तक तो कहानी सेम है फर्क क्या बताता हूँ मैं फर्क यह है कि उस केस में टर्क बाहर वाला था यहां तो भाई डायरेक्टर कंपनी के अंदर ही है तो डायरेक्टर को तो पता था कि भाई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ मतलब यू हैड नॉलेज ऑफ इनरेग्यूलरिटी अगर तुम्हें पता था कि सामने कुआ है तुम फिर भी कूदे तो गलती तुम्हारी है तो तुम्हें पता था कि भाई कंपनी ने शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन नहीं पास कराया फिर भी तुमने कंपनी को लोन दे दिया तो भाई डायरेक्टर गलती तुम्हारी है सच कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एनफोर्सबल ऑन द कंपनी यानी देखो बच्चों इस पे कंस्ट्रक्टिवली एप्लीकेबल हो गया सच कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एनफोर्सबल ऑन द कंपनी इससे बच्चों कंस्ट्रक्टिव नोटिस एप्लीकेबल हो गया ओके okay? फर्क क्या पड़ा सर फर्क ये पड़ा कि यहां पे जो पर्सन डील कर रहा था उसको पता था कि है क्योंकि डायरेक्टर ने खुद ने लोन दिया उसको तो पता ही था फिर भी उसने अगर कॉन्टैक्ट किया तो बच्चों गलती किसकी है उसकी है कंपनी पे कॉन्टेक्ट इनफोर्सिबल नहीं होगा दर्शन पूछता है सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन मालूम कैसे पड़ेगा कि कंसर्न कंसर है या इंडोमेंट दर्शन इससे तो केसेस पढ़ा रहो ये केस के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन में ये लिखा है ना क्या हुआ सर आपको सारे केस बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको समझे कि भाई कौन सा केस पे क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड केस है बच्चों नेगलिजेंस इन केस ऑफ सस्पेशन वो क्या बोलता है वो बोलता है भाई कि जहां सस्पेशन है वहां तुम कंफर्म कर लो कांटेक्ट करने के पहले अगर कंफर्म नहीं किया तो फिर गलती तुम्हारी है तुम्हें इंडोर मैनेजमेंट से कोई नहीं मिलेगा कॉन्ट्रक्ट कंपनी पे इनफोर्सिबल नहीं होगा इस हुआ था क्लियर नहीं था तो कंपनी के अकाउंटेंट ने बाहर वाले को प्रॉपर्टी बेच दी कंपनी की यह बोलते कि मुझे राइट है प्रॉपर्टी को बेचने का कंपनी के अकाउंटेंट ने बाहर वालों को कंपनी प्रॉपर्टी बेच दी ये बोल के कि मुझे राइट right है प्रॉपर्टी बेचने का आर्टिकल में कुछ भी क्लियर नहीं दिया होता अब बच्चों आप वो छोड़ो आप बताओ मुझे क्या किसी अकाउंटेंट को हम इतना पावर देते हैं कि तो हमारी कंपनी प्रॉपर्टी बेच दे नॉर्मली दिया तो भाई स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए था तो आउटसाइडर जब तुझे डाउट है सस्पिशन है तो भाई कंफर्म कर लेता तूने क्या किया तूने तुमनेजेंस दिखाया तो गलती तेरी है कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल नहीं है सबसे सारा क्वेश्चन बच्चों इस पे तीनों पे क्वेश्चन आ सकते हैं याद रखना तीनों पे क्वेश्चन आ सकते सबसे क्वेश्चन आया बच्चों पे और, बहुत और केस का नाम भी याद रखना है रुबेन वर्सेस ग्रेट कंसोलिडेटेड कंपनी सेक्रेटरी ने फेक इशू कर दिए खुद की साइन की और एमडी डी की साइन कॉपी कर दिया दो डायरेक्टर की साइन कॉपी कर दी कंपनी सेक्रेटरी ने खुद की साइन दे दी और डायरेक्टर से साइन फॉर्ज कर दिया फॉर्जरी कर दी कॉपी कर दी अब हावला चिल्ला है कि भाई तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी तुम देखो मेरी क्या गलती है मैं तो भाई पैसा दिया है शेयर्स खरीदने के लिए It was ki, भाई, ऐसे तो का कोई भी एम्प्लॉई कभी भी कर देगा तो क्या कंपनी भी भी होगा कोई परंपनी में कॉन्टेक्ट एनफोर्सिबल नहीं होगा मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फॉर्जरी लिख के आया रखना इस बार क्वेश्चन आ सकता है फॉर्जरी लिख के आता बोल देना भाई इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है कंपनी भी कॉन्टेक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा ओके

वो मैं डमी के ओनरशिप में टेलीग्राम चैनल जो है उसमें बच्चों में अब भी अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम पे एवरीबॉडी ठीक है तो यही पे हमारा कंपनी साइड बहुत डिटेल में अच्छे से बच्चों हमारे कम्प्लीट हो गया हमें दो आधे घंटे के ब्रेक लिएट चल गया था एक आधे घंटे का ब्रेक लिया तो नौ से बारह जो चीज होनी चाहिए थी बच्चों वो हमने कर दी एक बजे तक बट रिवाइज कर दिया क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं क्या आ सकते हैं बच्चों मैंने वो भी डील कर दिया अच्छे से और मैंने कम से, से कम अच्छे से कम्पीट कर लिया बच्चों थोड़ी देर में टेलीग्राम चैनल के अंदर ये डाल भी दूंगा राइट अभी आप भी थोड़ा थक गए होंगे मैं भी थक गया हूँ मुझे भी ब्रेक की जरूरत है ताकि मैं फिर एनर्जी के साथ से आपको पढ़ा सकूँ तो मैं थोड़ा चेंज कर रहा करा शेड्यूल में डाइट बच्चों जो दो बजे तो मेरा सेशन शुरू करने वाला था किसका पार्टनरशिप एक्ट काक्ट

थैंक यू सो मच कनक अगर सेशन अच्छा लगा बच्चों बाकी लोगों को भी फॉर्वर्ड करो बाकी लोग को भी उससे बेनिफिट होना चाहिए बस इतना कर लो बहुत है समझा मजा आया एक नंबर भाई एक नंबर थैंक यू सो मच कनक तो बच्चों अब हम रिज्यूम करेंगे करें उनको तो लाइन से ही साथ में आ जाएगा परफेक्ट तो, तो मिलते हैं तीन बजे और जैसे हमने कंपनी में में दिया बच्चों सेल्स ऑफ गुड साइड भी आराम से हंसते खेलते हम निपटा देंगे तीन बजे थैंक यू सो मच पीयूष गॉड ब्लेस बेटा बाय एवरीबडी टेक केयर मिलते हैं बाय तीन बजे